तथा भागवतम लब्धम। कहते एक जन्म नहीं बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होती है तभी ये कथा सुनने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आप लोगों के जो परिवार के लोग सब मिल करके और ये भागवत कथा को रखे हो और ये जो मंच बनाए ना, जो पैंडल बनाए, छत बनाए, प्रभु जी कहाँ गए, इन्होंने ये भागवत कथा के लिए बना दिया। बोले कहीं कहीं हमें और कहीं जाने का जरूरत नहीं, जब जब है जब जब कथा करने की इच्छा हो और कहीं भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो। जिस घर में ये भागवत कथा हो जाए है? जिस घर में ये भागवत कथा हो जाए बोले सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र। कहते पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है वो सारे तीर्थ आकर के वही स्थान पर बैठ जाते हैं। और जो लोग ये कथा सुनते हैं जहां पे कथा होती है सारे तीर्थ आकर बैठ जाते हैं। और जो कथा बैठ करके सुनते हैं, अगर आपकी इच्छा हो ना ये पृथ्वी की सारे तीर्थ में हम जा करके स्नान करें, बोले करोड़ों रुपया में भी आप सारे तीर्थ में जा करके कथा नहीं सुन सकते, सारे तीर्थ में जा करके स्नान नहीं कर सकते करोड़ों रुपया होने पर भी। मैं कभी मरीसस से गया हूँ, देखा वहां पर भी गंगा है, वहां पर लोग देखा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, बोले ये क्या है, बोले यहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई। मतलब करोड़ों रुपया में भी आप सारे तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते हो। लेकिन श्री सुतो गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा रूपी गंगा में जो स्नान कर लेता है, कहते पृथ्वी की सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके समझो तुमने यही पर नहा लिया, कहते उसी से भी ज्यादा पुण्य है। बोले क्यों, बोले तीर्थ में स्नान करने से क्या होता है बताओ, केवल थोड़ी सी पाप नष्ट होगा और कुछ नहीं होगा, फिर आकर घर में फिर वही पाप करना शुरू कर दो। लेकिन कथा रूपी गंगा में अगर कोई स्नान कर लिया कहते सारे पाप तो नष्ट हो ही जाएगी और तुम्हारी जीवन संपूर्ण रूप में तुम्हारी जीवन बदल जाएगी और संपूर्ण कृष्ण भक्ति में एकदम सराबर हो जाओगे। भूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि सान्त्वस्तेन गदावृतम्। तात्पर्य है जो कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया ना आप तो पवित्र हो ही जाओगे, लेकिन आप विश्व ब्रह्मा भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान कर लेते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, हर जोश जयकार लगा, आनंद नहीं आया। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, अभी लग रही कथा बने। इसलिए श्री शिव ठाकुर पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती कहते रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार एक पापी को भी पास में होता है, बताओ रावण को पास में क्या नहीं था, सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसे भार्या थी, मेघनाथ जैसे पुत्र था, लेकिन शंकर कहते हैं पार्वती ये पापियों को पास में भी धन दौलत और पुत्र परिवार होता रहता है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़े किस्मत वालों को एक चीज प्राप्त होती है। मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु अब क्या बताना चाहते हो, जगत में कौन सा चीज दुर्लभ है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषादंड भरा एकौ भरा एक हो गारा,
बोले पार्वती, जगत में सत्संग और भगवान की जो कथा, इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कहते जो संतों का संग और जो भगवान की कथा पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं अगर ये भागवत कथा हो रही, आप घर में बैठे हो और कथा में सुनने नहीं आए, अभी घर में बैठे हुए हो, लेकिन आपको पता चला प्रभु जी का नाम क्या है, जिसके घर जिनके नाम क्या है, तुकाराम, इनके घर में कथा हो रही है, आपको पता चला इनके घर में कथा हो रही है, लेकिन अभी आए नहीं, घर में बैठे हो। कदि ये भागवत कथा में आने का जो केवल इच्छा मात्र रख लिया, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुत अनपठित ध्यात आद्रितवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मं जानति विश्व द्रोह अपि। कहते वो व्यक्ति कितने बड़ी पापी क्यों नहीं हो, अगर उसने कभी विश्व द्रोह किया, कभी देव द्रोह किया, बड़े से बड़े पाप क्यों किया नहीं हो, अगर कोई कथा हो रही है केवल वहां कथा सुनने की इच्छा मात्र हो जाए, मैं कथा जा करके सुनूंगा नहीं तो सुनूंगी। कहते केवल इच्छा मात्र सही, बोले सद्यपुनाति सद्धर्मम, वह व्यक्ति सारे पाप से मुक्त होकर के क्या होता है, बोले भगवत धाम को गमन करता है, केवल सुनने की इच्छा मात्र अगर रख लिया। कहते भैया अगर सचमुच से कोई आकर के बैठ गया कथा में, कोई सचमुच से अगर कथा में आकर सुन लिया, कहते उनका पुण्य तो हम बता ही नहीं सकते, वो व्यक्ति कितने बड़े पुण्यात्मा हैं, कितने बड़े पुण्यात्मा, क्योंकि ये भागवत कथा की इतने दुर्लभ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा नहीं मिलती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाने जा रहे थे, हम जिन देवा देवियों को पूजा करते हैं घर घर में, जिन देवा देवियों को घर घर में हम पूजा करते रहते हैं, ये 33 करोड़ देवता और इंद्र, इंद्र कौन है, सारे स्वर्ग के सारे देवता का राजा, ये जितने इंद्र चंद्र वायु वरुण जितने देवता को पूजा करते हैं, वो स्वर्ग से पूरा के पूरा अमृत कलश लेकर के आए हैं। बोले परीक्षित महाराज को लो इसको पिला दो सुखदेव गोस्वामी, ये अमर बन जाएंगे, लेकिन ये कथा अमृत हमें पिला दो। सुखदेव गोस्वामी सुनाया नहीं, भगा दिया उनको, खदेड़ दिया, बोले कथा नहीं सुन सकते हो, तुमको पता है ये भागवत है क्या चीज, बोले ये भागवत नहीं, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञाना देवी सह, जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, वहीं पर श्री उद्धव जी थे। बोले प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी हम आश्रय किसके थे, हमारा आश्रय क्या कौन बने। कृष्ण कहते हैं उद्धव, एक स्वरूप में तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूँ। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में मिलोगे, बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ये कलयुग में मैं निवास करूंगा। बोले हे उद्धव, जो व्यक्ति इस कलयुग में ये भागवत कथा को सुनेगा, ये कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुनेगा वो कथा नहीं सुन रहे, वो साक्षात रूप में मेरे साथ में मिल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं ये भागवत में 12 खंड है, कितना खंड है इसमें, 12 खंड है। कहते 12 खंड में जो प्रथम और जो दूसरे खंड है, ये भगवान की 2 चरण। कहते भागवत में जो प्रथम और जो दूसरे खंड है,
कहते ये भगवान की ये दो चरण है जो तृतीय और चतुर्थ स्कंध है। बोले ये भागवत का ये भगवान कृष्ण का दो जंग है जो पंचम स्कंध है। बोले भगवान की ये नाभि कमल है। कहते जो षष्ठ और सप्तम स्कंध बोले ये भगवान की दो भुजाएं। जो अष्टम स्कंध भगवान की वक्ष स्थल है। जो नवम स्कंध भगवान की कंठ। दसम स्कंध भगवान की ये मुखार बिंद। एकादश स्कंध भगवान की ललाट। और द्वादश स्कंध भगवान का ये सारे। बोले ये श्रीमद् भागवत नहीं, बोले भागवत ग्रंथ रूप में भगवान ये भागवत रूप में साक्षात कृष्ण कलयुग में ये विद्यमान है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। और जोर से बोलो। देखो जैसे हम भगवान की जयकार देते हैं ना, भगवान की जयकार होता है, उनका तो जय है ही है, भगवान की तो जय ही जय है। इसलिए बंगला में कहते हैं जो भगवान की जय देते हैं ना, जो जितने जोर से ठाकुर को जयकार लगाओगे उतना पाप जली जाएगी और उसको उतना जय होगा। जो जितने जोर से जयकार लगाएगा उसको उतना ही संसार में जय जय होगा। भगवान का तो जय जय हकार है ये। इसलिए जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में ये भागवत कथा नहीं मिलती है। बोले ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, बोले ब्रह्मलोक में जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, कहते ब्रह्मलोक में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में ये भागवत कथा नहीं मिलती है। इसलिए श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं बोले कथा है तो बेधे भावन बियाए। कथा है तो बेधे भावन बियाए। कथा है तो बेधे भावन बियाए। कथा है तो सुनी बात सारदे आवत धाये। सुनी बात सारदे आवत धाये। अगर कहीं कथा हो रही है, अगर ब्रह्मा जी को पता चले भैया कथा हो रही है, इसलिए शंकर श्री ब्रह्मा जी अपना पत्नी शारदे, हाँ शारदा को बोलते हैं शारदे पहले तैयारी होकर बैठना। ऐसे नहीं जब कथा के लिए मैं निकल जाऊं बोलोगे अभी तो मैं सज रही हूँ श्रृंगार कर रही हूँ और तुम्हें साड़ी पहन दे, नहीं पहले नहा धो करके और साड़ी फाड़ी पहन करके जो पहले सजना सज लेना। इसलिए अगर ब्रह्मा जी को कहीं पता चले कथा हो रही है, ब्रह्मा जी ढाई ढाई मतलब क्या दौड़ दौड़ करके, बोले दौड़ दौड़ कर क्यों जाते हैं बताओ, हम कब दौड़ दौड़ कर जाएंगे जब वहाँ पर ज़्यादा लाभ होगा। अगर पता चले ना हमको बिजनेस में करोड़ रुपया हमारे लाभ होने वाले, फिर क्या करेंगे, भागते भागते जाएंगे, करोड़ रुपया लाभ होगा तभी तो दौड़ दौड़ कर जाएंगे ना। इसलिए श्री ब्रह्मा जी को पता है अगर सबसे ज्यादा अगर किसी धंधे में लाभ होगा है ना, कहते भक्ति, ये भक्ति में जितने लाभ होगा, और कोई भी बिजनेस करो आप उसमें फेल हो सकते हो लेकिन ये भक्ति का बिजनेस में अभी तो कोई फेल नहीं हुए। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बड़ा सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते जो भक्ति का जो बिजनेस है ना इसमें कोई फेल हुए नहीं। बताओ मीरा में फेल हुई है? मीरा की जय जयकार हो रही है। इसलिए श्री तुलसीदास जी फेल हुए, हनुमान जी फेल हुए, ध्रुव प्रहलाद ने अम्बरीश महाराज कोई फेल हुए? ये बिजनेस में कोई फेल नहीं, सब सक्सेसफुल हुए, सबके सब सबको माल माल मिला जगह में। इसलिए ब्रह्मा जी को पता है ये जो कथा रूपी है, जो बिजनेस में कोई दूसरे बिजनेस में कोई फेल हो सकते हो लेकिन कथा में कोई फेल हो ही नहीं सकते। देखो एक सुंदर छोटी सी कथा सुन, अगर भूल से भी कथा में आ जाओगे तो क्या लाभ है। एक समय एक सेठानी तो रोज कथा सुनने आते थे लेकिन सेठ नहीं आते थे, वो दिन भर केवल कमाई कमाई में लगे रहते थे। एक दिन सेठानी ने बोले भैया एक तो दिन चलो कथा में। संत जी कहते हैं अगर दोनों मिलकर अगर कथा सुने, दोनों मिलकर भजन कर लाभ ही लाभ है। आपका बात तो मैं रोज सुनती हूँ, एक बार मेरे तो कभी बात सुन लो कभी है, एक बार मेरे तो बात चलो एक बार कथा में चलते हैं। सेठ जी ने सोचा भैया रोज सेठानी पीछे पड़ी हुई है, चलो कथा में चलो कथा में चलो। एक दिन सेठ ने सोचा चली था लेकिन बोले पूरा काम धंधा खत्म करके, पूरा पैसा कमा करके, पैसा में कोई उसमें कंप्रोमाइज नहीं, पूरा धंधा करके मैं चलूंगा। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी समय तो सत्संग में चलो। अभी उन्होंने पूरा काम धाम खत्म करके सारे पैसा को नोट को गिन गान करके हिसाब किताब करके लेकिन सब चले। जब जाकर कथा में बैठ पहुंचे वो कथा विश्राम हो चुका था, कथा समाप्त हो गई थी। जो कथा कर रहे थे उन्होंने देख लिया सेठ और सेठानी आ रहे लेकिन कथा तो खत्म हो गई। फिर दो बार के आने के लिए कथा सुना, अभी उनको देखा कोई बिजनेस हो पहले तो चले जाते हैं लेकिन कथा में तो पूरा है कथा को लास्ट में आए। इतने में जब उन्होंने आ करके बैठ ही गए, वो जो कथा वाचक थे देख करके बोले बैठ गए। सेठ समझ गए, संत देख लिया कथा तो विश्राम हो चुका और कथा को लास्ट में आया हूँ और मेरे को देख कर शायद मेरे को टोंटी कर रहे तुम बैठ गए। बोले इतना दिन के बाद में एक बार आया सेठानी बोलने पर और मेरे को देख के बोलते तो बैठ गए। इतने में खड़े हो गए, बोले खड़े हो गए, बोले देखो देख लिया ना मेरे को, इसलिए बोले खड़े हो गए। जब उसने चल दिए बोले चल दिए। अभी सेठ को तो इतने जोर से उनको चोट पहुंचा, इतने कष्ट लगा, बोले एक दिन में आए तो हमको सभी को सामने आ गए बैठ गए और चल दिए, सभी को सामने अपमान किया उसने। अभी तो एकदम उनको तीर जैसे लगता है ना, पूरा चुप गया। अभी बोले आ गए बैठ गए चल दिए, अभी उसको ही रटते रटते लगते गए। अभी जब गए जब सो गए अभी वही चीज को रट रहे हैं, बोले आ गए। पत्नी ने बोले क्या हो गया तुमको है? आ गए बैठ गए चल दिए, दिन भर यही रट रहे हो, अभी रात को ना वही सोते रहे और वही बोल रहे। लेकिन उसी दिन बाई चांस में क्या हुआ, उसको घर में चोर चोरी करने के लिए, जो चोरी करने के लिए आए वो सोच रहे थे सेठ तो सो गए लेकिन वो तो रटना लगा रहे थे, आ गए बैठ गए चल दिए। अभी जब चोर लोग ना घर में आए बोला अरे लगता है ये सेठ तो जगा हुआ है, ये क्या बड़बड़ा रहा है। इतने में समझ करके चोर लोगों ने सच जगा हुआ, इतने में चोर लोग जो छुप कर बैठे ना वो तो बोल रहे बोले बैठ गए, बोले अरे सेठ तो देख लिया हम बैठ गए। इतने में खड़े हो गए, बोले खड़े हो गए, बोले भैया सेठ तो पूरा ही पूरा देख लिए। और जो भागे ना बोले चल दिए। इतने में चोर जो भागे, इतने में गमले रखे हुए थे और लगा तो इतने धड़ाम करके गिरा। जो सेठ सो रहा था खड़े हो गए, खड़े होकर के देखा सचमुच से चोर लोग भागते हुए जा रहे हैं, हाँ गमले गिर गए। बोले अरे भैया सत्संग में तो बड़ा लाभ है, सत्संग में तो बड़ा लाभ है, केवल तीन बात है, केवल तीन बात हमने सुन लिया तो जिंदगी का जितने कमाई है सारे कमाई बच गया, नहीं तो आज सबके सब लूट जाता, सबके सब लूट जाता।
केवल मैंने तीन बात सुन लिया, आ गए, बैठ गए, चल दिए और सारे जिंदगी का कमाई मेरी बची गई। फिर तो रोज अगर सत्संग में जाओ तो फिर हमें क्या फल नहीं मिलेगा। देखो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, अगर कहीं कथा हो रही है, जब आप घर से निकले हो, जैसे एक कदम जब बढ़ाते बढ़ाते आ रहे हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब केवल एक कदम सत्संग के लिए बढ़ाते हैं ना, केवल एक कदम में आप करोड़ करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। केवल एक कदम जब सत्संग में आप प्यार बढ़ा रहे हो, इतने कहते 100 घर अश्वमेध यज्ञ करेगा तो उसको स्वर्ग का इंद्र पद प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते भैया सत्संग में जाना और सत्संग सुनना, तीन बात इसकी कान में पड़ा गया था, जिंदगी की संपत्ति ही उसकी रक्षा हो गई, नहीं तो सब आज लूट जाती। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए कहीं अगर ये भागवत कथा होती है, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को छोड़ करके इसी भागवत कथा में आते ही, कैसे पत्नी को लेकर के, कहते ब्रह्मलोक की बात छोड़ो, वहां पर तो कथा है ही नहीं, बोले कैलाश नास्ते अमरस, कहते कैलाश में भी ये भागवत कथा नहीं, ये हरि चर्चा ये कैलाश लोक में भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले एक बार त्रेताया जो गमाए, एक बार त्रेताया योग माए, शंभु गए को भजरी सी पाए, शंभु गए को शंकर जी को पता चलता है कई कथा हो रही है, शंकर जी कैलाश लोग छोड़ करके और अपना पत्नी सती को लेकर के कथा सुनने के लिए आते हैं। हाँ एक बात ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब कथा सुनने के लिए जाओ ना, अकेले मत जाओ, किसको लेकर के जाओ, अगर देवियां आती हैं अपना देवता को लेकर के आओ, मतलब पत्नी आती है ना अपना पति को लेकर के आओ। अगर पति अगर कथा सुनने के लिए आते हैं, बोले अपना घरवाली को पत्नी को लेकर के आ, बोले ऐसा क्यों, बोले अकेले क्यों नहीं जाए, दो क्यों जाए, बोले कारण बताए, जो कथा सुनेगा ना, देखो जैसे आप 7 दिन कथा सुनोगे, लेकिन आप तो एक स्वरूप में आए हो, लेकिन जब कथा समाप्ति को बाद में जाओगे ना, आप ऐसे नहीं रहोगे, आपका ये स्वरूप नहीं रह जाएगा, आप सबके सब देवी बन जाओगे, क्योंकि भगवत कथा जो सुनोगे इसका रंग जब तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी, आपका जीवन संपूर्ण बदला हुआ दिखोगे, संपूर्ण बदलते हुए जीवन देखोगे, स्वरूप तो नहीं बदलेगा, ऊपर रूप तो ऐसे रहेगा, लेकिन अपना भावना संपूर्ण बदल जाएगी आपकी। हैं क्यों, आपको 7 दिन में पता चलेगा भगवान ये शरीर क्यों दिया है, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला, ये मानव शरीर नहीं, बोले ये कोहिनूर हीरे ठाकुर ने दिया है। क्या दिया है हमें, कोहिनूर हीरे भगवान ने दिया है, ये सहज में ये मानव शरीर नहीं मिलता, जिसको भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप इसी जगत में पुण्य कर्म करके स्वर्ग में तो जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो काम करके फिर आप मानव शरीर पा सकते हो, ऐसे कोई काम स्वर्ग में नहीं जो करके फिर ये मानव जन्म में तुम आ सकते हो, हैं? इतने ये मानव शरीर की इतने महत्व, इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, बोले सुर दुर्लभ,
ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ, फिर भारत में जन्म लेना, फिर भारत में नहीं फिर हिंदू घर में जन्म लेना, फिर हिंदू घर में नहीं फिर राजस्थान में मीरा की देश में जन्म लेना, ये तो बड़े सौभाग्यवान व्यक्तियों को ये जीवन प्राप्त होता है, सौभाग्यवान व्यक्तियों को। इसलिए ये मानव शरीर जब ये चीज समझोगे फिर क्या करोगे, फिर भगवान के भजन में लग जाओगे, भगवान की भक्ति में लग जाओगे। एक एक जो श्वास नहीं, जब एक एक श्वास निकल रहा है, करोड़ों कोई नहीं धीरे दो तभी एक श्वास हमें नहीं मिल सकता है, तभी ये श्वास की सार्थकता कब है, बोले जब हमारी मुंह में श्वास में भगवान के नाम निकले तभी जीवन की सार्थकता है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। सिखा देते हैं अकल मत जाओ, जोड़ा जोड़ा जाओ, क्योंकि अगर स्त्रियां केवल कथा सुनने के लिए आएंगी, सात दिन बाद मरण चढ़ेगा, भैया गले में तुलसी कड्डी पहननी चाहिए, तिलक लगानी चाहिए और भगवान के नाम जप करनी चाहिए, ठाकुरों का नाम जप करनी चाहिए। अगर पत्नियां आएगी ये रंग चढ़ेगी तो क्या करेगी, पत्नियां भी भजन करना शुरू करेगी। अगर पति नहीं आए ना इसका बुद्धि खराब होगा, पति बोलेगा जब देखता हूँ गीता लेकर बढ़ जाती, माला लेकर बढ़ जाती हो, कौन सा बाबा जी चक्कर में तो बढ़ गई, पहले बोलते थे ना सिनेमा में ले चलो, थोड़ा घुमा करके ले आओ, हमारा लिए इतना बढ़िया साड़ी ले आओ, अभी तो कोई बात नहीं करती, जब देखो गीता रामायण भागवत लेकर बैठती हो, माला जब करती हो। अगर पति लोग आए इनको पर रंग चढ़ेगा तो ये क्या करेंगी, जीवन का कीमत उसको पता चलेगा, फिर प्रभु का भजन में लग जाएंगे, पत्नी परेशानी होगी। अरे जब देव गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो काम धंधा नहीं करोगे तो संसार कैसे चलेगा, प्रभु घुमाने में भी नहीं ले जाते हो, इसलिए फिर तो पति भी आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर दोनों कथा सुनने के लिए जाओगे फिर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा, फिर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, फिर दोनों बोलोगे भैया चलो समय हो गया भागवत कथा में चलते हैं, चलो आज थोड़ा प्रभु की भजन करते हैं, आज थोड़ा बैठकर कीर्तन करते हैं, थोड़ी सी हरि कथा सुनते हैं, फिर दोनों को आप मदद करोगे, दोनों मदद करोगे तो क्या होगा, संसार तुम्हारी बढ़िया चलेगी। और उसको साथ साथ में अगर बच्चों को ले आओगे, अगर कथा में अगर बच्चों को ले आओगे फिर तो तुम्हारी घर नहीं। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जतिन गृह भजन देखी गृहत गोलोक भाय, मतलब है जिस दिन हमारी घर में भगवान की भक्ति हो भजन हो कहते वो घर घर नहीं रह जाएगा, वो घर गोलोक वृंदावन बन जाएगा, घर तुम्हारी भगवान की धाम तुम्हारी बन जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा। देखो हमारे गुरु जी कहते थे एक समय किसी ने हमारे गुरु जी के पास में आए, बोले गुरु जी ये बेटा बात नहीं सुनता है, ये बेटा पहले तो थोड़ी बहुत क्या सुनता था लेकिन जब से शादी हो गई पता नहीं इसका बुद्धि क्या हो गया, वो एकदम हमारी एकदम बात नहीं सुनता है। देखो गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी ने कहा बेटा तुम गीता पढ़ते हो, बच्चों को गीता पढ़ाते हो, बोले नहीं। तब हमारे गुरु जी ने कहा देख बेटा जो गीता नहीं पढ़ेगा, और बोले रामायण भी पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले जो गीता रामायण नहीं पढ़ेगा और बच्चों को रामायण गीता नहीं पढ़ाएगा उसको यही गति होगी। हमारे गुरु जी कहते थे अगर तुम रामायण पढ़ते ना और बच्चों को रामायण पढ़ाते, अब देखना रामायण पढ़े होंगे, कहते प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, बोले मात पीत गुरु नमई माता, सबसे पहले मैया को प्रणाम करते थे, उसको बाद में पिताजी की प्रणाम करते थे, उसको बाद में गुरु जी की प्रणाम करते थे, हैं? अब रामायण देखो टीवी में
जब भगवान राम जिस समय दशरथ महाराज विश्राम करते हैं, देखना भगवान राम क्या करते हैं, पिताजी की चरण सेवा करते हैं, पिताजी की चरण दबाते हैं। देखे कि नहीं रामायण में, देखे वो गुरु जी ने कहा बेटे को तो 20,000 रुपया की 10,000 रुपया की स्मार्टफोन तुमने पकड़वा दिया, लेकिन बेटे को कभी बोला बेटा थोड़ी सी गीता भी पढ़, थोड़ा रामायण भी, तुमने कभी बोले बेटे को? अब तुम खुद गुरुदेव कहते, बोले खुद गुरुदेव बोल रहे थे, बोले रामायण पढ़ता है, बोले नहीं, बोले गीता पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले जो गीता रामायण नहीं पढ़ेगा उसका घर का दुर्दशा ऐसी होगा, इसलिए घर में गीता हो, बहु जैसे सीता हो, राम जैसे बेटा हो, घर में क्या हो, घर में गीता हो, बहु जैसे सीता हो और राम जैसे बेटा हो, वो घर नहीं कहते, तो घर भगवान की धाम बन जाता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ठीक है। अब इंडोनेशिया नाम सुने हो, वो एक मुसलमान कंट्री, वो मुसलमान कंट्री ध्यान देकर सब सुनो, वो मुसलमान का देश, लोग दशा लोग हमारे देश से संतों को बुलाते हैं। आप नाम सुनोगे मुरारी बापू, नाम सुने मुरारी बापू का नाम सुने होंगे, वो राम कथा करते हैं। हमारे भारत से ये मुरारी बापू को मुसलमान का देश बुला कर ले जाते हैं, बोले क्यों, बोले हमें रामायण सुना, बोले क्यों रामायण सुनते हो, बोले रामायण में ऐसे आदर्श है, कैसे पिता माता की बच्चे को सेवा करनी चाहिए। इन्होंने पिताजी की बात को रक्षा करने के लिए भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने 14 साल के लिए वनवास चले गए। कितना साल के लिए प्रभु राम गए थे, 14 साल के लिए भगवान राम वनवास 14 साल के लिए चले गए थे, वनवास चले गए थे हाँ, पिताजी की वाक्यों को रक्षा करने के लिए। और भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, और मुसलमान लोग कहते हैं हमारी घर की बहू और बेटी सती बन करके रहे, बोले क्यों, वो धोबी नहीं कहीं चली गई थी अपना पीहर से आते समय, एक रात उसको मुसीबत में कहीं किसी घर में बिताना पड़ा, इसलिए भगवान राम ने इसके लिए त्याग दिया, अपना पत्नी को त्याग दे दिया, सीता को त्याग दे दिया, बोले क्यों, बोले भविष्य में स्त्रियां सती बन करके रहे। इसलिए मुसलमान लोग हमारे रामायण को मुसलमान लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतनी शिक्षा ये रामायण ग्रंथ में, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा है रामायण ग्रंथ में। इसलिए क्या करनी चाहिए, घर में रामायण पढ़ो, खुद पढ़ो, बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ, और घर में नियम बनाओ। बोले क्या नियम है, बोले बच्चे को तब तक खाना मत देना जब तक बच्चा एक माला नहीं कर ले। क्या करोगे, जब तक जब देखो जब 10,000 रुपया की इसको 20,000 रुपया की स्मार्टफोन पकड़वा सकते हैं, जिसको द्वारा जीवन इसका बर्बाद हो जाए, क्या उसको हम नहीं बोल सकते बेटा तू एक बार तुम 5 मिनट लगेगा एक माला तू जप कर, इतना नहीं बोल सकते, ठीक है ना। घर में पक्का नियम बनाओ, जब तक बच्चों को एक माला माला नहीं कराएंगे खाना नहीं देंगे, जब उसको जोर जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हो हैं, जितने गंदी चीज कहाँ सीखता है बताओ, कोई पिता माता बच्चे को कोई बुरा चीज सिखा देता है, सिगरेट पीना, शराब पीना, गद्दी गद्दी, उस कहाँ से सीखता है, स्कूल से कॉलेज से सीखता है। जब उसको जोर जबरदस्ती वहां भेज सकते हो, क्या बच्चे को नहीं बोल सकते बेटा 10 मिनट भगवान के लिए त्याग करो, 10 मिनट थोड़ा गीता का एक श्लोक पढ़ लो हैं, और तुम थोड़ी सी एक माला कर लो, ठीक है ना। सब बच्चों को, और पहले क्या होना पड़ेगा, पहला गुरु पिता माता है, पहला गुरु कौन है, अगर मैया खुद भजन करेगी, पिताजी माला जप करोगे तभी तो बच्चे को बोलोगे, अगर खुद दिन भर टीवी खोल कर बैठ जाओगे फिर बच्चे को कैसे तुम बोल सकते हो हरिनाम करो माला जप करो। पहले क्या करो, खुद बैठ करके माला, पहला जो शिक्षा मिलता है पिता माता से, सबसे पहले बच्चों का संस्कार वहीं से मिलती है, पहले पिता माता से अगर हम माला जप करेंगे फिर बच्चे को बोल सकते बेटा एक तू भी तू माला जप करो, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा स्वर्ग में भी नहीं, ये भागवत कथा ब्रह्मलोक में नहीं, ये भागवत कथा कैलाश में भी नहीं, कैलाश की बात छोड़ो, ये भागवत कथा बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, ये वैकुंठ में भी कथा नहीं। आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे अपना वैकुंठ धाम में जाके, देखा सारे अयोध्या वासी बैठे हुए जाने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति को देखा वहां है ही नहीं। बोले कौन नहीं है? बोले श्री हनुमान जी। बोले ये हनुमान जी कहाँ गया? कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी कहाँ है? इतने में प्रभु ढूंढते ढूंढते देखे एक कोने में बैठ कर हनुमान जी भगवान के नाम को जप कर रहे थे। बोले हनुमान जी, सारे अयोध्या वासी वैकुंठ जाने के लिए तैयारी, तो वैकुंठ नहीं जाओगे? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं। बोले प्रभु, वहां की आपकी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान ने कहा, हनुमान जी जब मैं स्वयं वहां पर हूँ, पर ये कथा की क्या जरूरत है? देखो हनुमान जी क्या कहता है। बोले प्रभु, आप साक्षात रूप में आप जहाँ पर हो सकता है आपकी कथा वहां पर नहीं हो, लेकिन जहां पर तुम्हारी कथा हो वहां अब 100% जहां तुम्हारी कथा है आप केवल वहीं पर रहते हो। इसलिए श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। आप देखना कहीं भी अगर प्रभु राम की कथा कहीं होएगी, अब देखना सबसे पहले श्री हनुमान जी की तस्वीर वहां लगाते हैं, क्योंकि राम कथा के सबसे बड़े रसिया कौन है? बोले हनुमान जी। बोले हनुमान जी कौन है? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी ज्ञानी है। लेकिन कथा ऐसे के वस्तु है, कथा जितने सुना आपको लगेगा कि पहले मैंने कोई कथा सुनी है। इसलिए जितने सुना और सुनने की इच्छा करती है, कथा सुन करके किसका पेट नहीं भरता है, किसका पेट नहीं भरता है। लेकिन खाना एक रसगुल्ला खाओ कैसे? बोलो बढ़िया। बोले दूसरे खा लो? बोले अच्छा है। बोले तीसरे खा लो? बोले ठीक है। बोले चौथा? बोले और नहीं। चौथा खा भी लिया ना, पंचमा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, पंचमा खाओगे तो तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। लेकिन कथा ऐसे की वस्तु है, इसलिए भागवत में बताए श्री है पृथ्वी महाराज कहते, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान क्यों चाह रहे हो? 2 कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ 2 कान सारा शरीर में अगर कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी। बोले तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु, 2 कान में कथा सुनकर हमें आनंद नहीं आ रहा है, अगर 10,000 कान हो जाए ना हैं, तब तुम्हारी कथा सुनकर के आनंद हो। 10,000 कान मतलब कान तो केवल 2 ही हो, लेकिन ये दोनों कानों में कथा सुनने की इतनी शक्ति हो, 10,000 कानों में कथा सुनने की जितनी शक्ति हो केवल 2 कान में दे दो। दूसरा मतलब है, जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कई कथा होती होगी, कहते प्रभु कहीं की कथा चुप नहीं जाए, जितने ज्यादा पर कथा होती है मैं उतना स्वरूप को लेकर के वही तुम्हारी मैं कथा सुनना चाहता हूँ है। इसलिए कथा सुन करके किसको तृप्त होते नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी बोले प्रभु, तो भगवान ने पूछा, हनुमान जी ये बताओ फिर तू कब वैकुंठ में आओगे? बोले प्रभु, तब तक ये वैकुंठ में नहीं आऊंगा जब तक कि ये दुनिया में तुम्हारी कथा चलती रहेगी, तब तक इसी दुनिया में मैं रहूंगा। जब मैं देखूंगा ये दुनिया में भगवत कथा और है नहीं, 1 सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रहूंगा, सीधा में वैकुंठ धाम में आ जाऊंगा। इसलिए भागवत में बताए, न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां पर भगवान की कथा नहीं, जहां पर तुम्हारी जन्माष्टमी नहीं, राम नवमी नहीं,
तुम्हारी होली का कीर्तन नहीं, तुम्हारी जन्म उत्सव नहीं, बोले सुरेश लोक अभी नब्बे से बदाम। कहते वो स्वर्ग लोक क्यों हो, वो स्वर्ग लोक में वहां नहीं जाना चाहता हूँ जहां पर तुम्हारी कथा रूपी उत्सव, तुम्हारी जन्म उत्सव जहां पर नहीं हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो भागवत कथा है, कहते वैकुंठ नास्ते अमरस, ये वैकुंठ में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गाया वो गरुड़ा जहाँ बसा हे भुसुंडा, गाया वो गरुड़ा जहाँ बसा हे भुसुंडा, गाया वो गरुड़ा जहाँ बसा हे भुसुंडा, गाया वो गरुड़ा जहाँ बसा हे गोस्वामी जी कहते हैं ये गरुड़ जी रहते हैं वैकुंठ में, अगर उनको कहीं पता चले भैया भागवत कथा हो रही है, वो कहाँ छोड़ करके आते हैं, बोले वैकुंठ छोड़ करके आते हैं कहाँ, मरते जगत में। भुसुंडा मतलब कहाँ के भुसुंडी, वो कहाँ पर कथा सुनाते हैं, श्री जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी गए हो, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए, हाथ उठाओ। हाँ अब बताओ कौन जाना चाहते हैं, बताओ कौन जाना चाहते हो जगन्नाथपुरी, जाना भी नहीं चाहते, गए भी नहीं, कुछ हाथ कोई नहीं उठा रहे। इसलिए जगन्नाथ अगर पुरी गए होंगे ना, अब जगन्नाथ मंदिर में जाना, वहां पर एक अक्षय वट देखो है, उसको अक्षय वट कहते हैं। प्रलय में भी वो वट वृक्ष कभी डूबती नहीं, और उसी मार्कंड ऋषि वहीं पर देखा था कैसे बटते पत्ते के ऊपर भी है ठाकुर जी बाल गोपाल रूप लेकर के अपना अंगूठा को चूसते हुए वहीं पर दर्शन किया था। उसी वृक्ष के ऊपर में इसलिए पुरी का एक नाम नीलगिरी है, नीलगिरी वहीं पर काग भूषण बैठ करके प्रभु राम कथा को नित्य निरंतर सुनाते हैं। गरुड़ जी का जब इच्छा होता है कथा सुनने के लिए, वो वैकुंठ छोड़ करके श्री जगन्नाथ पुरी में आते हैं और बैठ करके कथा सुनते हैं। हाँ देखो आप बेंगलोर के भक्त लोग कितने, हम लोग कितने सौभाग्यवान, यही चीज को समझा रहे हैं। देवता को स्वर्ग छोड़ना पड़ा कथा सुनने के लिए, ब्रह्मा ब्रह्माणी को ब्रह्मलोक त्याग देना पड़ा, शंकर पार्वती को कैलाश त्याग देना पड़ा है, और हनुमान जी गरुड़ जी को वैकुंठ त्याग देना पड़ा, लेकिन बेंगलोर के भक्त लोगों को आपको कुछ छोड़ना पड़ा, आपको कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा, कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा, लेकिन कथा रूपी गंगा बहते बहते हमारे घर को सामने आ गई, और हम घर में बैठ बैठ करके और कथा रूपी गंगा में हमने गोता लगा लिया। मतलब है हम बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पुण्य उदय होती है तभी जाकर के कथा रूपी गंगा में हमें स्नान करने की सौभाग्य मिलता है। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते बोले पार्वती ये कथा रूपी गंगा में कौन स्नान करते हैं, शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा परोई, 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 पावत हे मता गत सोई।
जिसको पर में भगवान की कोई विशेष कृपा हो तभी ये कथा सुनने को मिलता है। लेकिन पार्वती आप तक यही सारा अति कठिन, लेकिन पार्वती ये कथा में आने के लिए ना अति कठिनाई बड़ा कठिन है। अगर किसको पता चले कि हाँ शाहरुख खान आ रहा है, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन हैं और सलमान खान आ रहा है, अगर किसको पता चले ना यहाँ पर एक लोग भी बैठ तक ये नहीं देखेंगे, सब वहीं पर पहुंच जाएगा। हाँ वहां पर खड़े मिलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे पहले से ही, आने से पहले जाकर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर पता चले कहीं कथा हो रही है, अगर पत्नी अगर पति को बोले चलो कथा, बोले देवी तू चला जा, तू सुनने पर मेरा सुनना हो जाएगा, तू ही चला जा, मैं अपना सारे काम को निपटा करेगा ना आ जाऊंगा, बोले तू स्वयं निपट जाओगे लेकिन तेरे काम कभी नहीं निपटेगा। अभी तो किसी का काम निपटा है, किसी ने दुनिया में किसका काम निपटा है अभी तक? रावण जैसे व्यक्ति को भी काम निपट नहीं पाया हैं, इसलिए किसका काम अभी तक निपटा नहीं है हैं। लेकिन जब भगवान की भजन के लिए जाएंगे ना, कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, इसलिए कभी कभी भगवान के लिए भी समय देनी चाहिए। कहते ना एक कदम उनके लिए बढ़ाओ ठाकुर जी तुम्हारे लिए 100 कदम ठाकुर जी तुम्हारे लिए बढ़ाएंगे, लेकिन उनके लिए एक कदम तो पहले बढ़ाओ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं दुकान में बैठ करके साथ स्वयं पैसा कमा लेंगे। ठाकुर को इच्छा होगा ना एक घंटा में जितने पैसा कमा लोगे, दिन भर बैठ करके उतना पैसा नहीं कमा सकते हो जो भगवान की कृपा हो। हाँ ठाकुर को कृपा सही कमा सकते हैं, अपना बुद्धि पर पैसा को कमा नहीं सकते, इसलिए कभी कभी भगवान के लिए भी थोड़ा समय हमें देनी चाहिए। और देने वाले वही और लेने वाले भी, अगर वो 1000 हाथों से दे बताओ कितना तुम कमा सकते हो, अगर वो 1000 हाथ से ले तो 2 हाथ से हम कितने कमा सकते हैं, इसलिए ये चीज़ को हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ को हमें ध्यान रख करके और भगवान की भजन में कभी नुकसान ही नहीं बल्कि इसमें ज्यादा लाभ ही लाभ है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत मुखी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, निताय गौर ब्रह्मांडे हरि 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 हरि। एक आप लोग भजन सुनना ठीक है, प्रभु से भजन पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वृंदावन की वृक्ष को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, की डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो, की राधे राधे रट नहीं सब बाधा मिटी जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम दे जाए, की कोटि जन्म की आपदा श्री
राधा नाम से जा। तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे हाथ उठाकर बताएं। वृंदावन सभी लोग चलेंगे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग जाना चाहते हैं। तो देखिए वृंदावन कैसे जाते हैं, ऐसे नहीं आप लोग वृंदावन कौन कौन गए। देखिए जो लोग गए हैं यहाँ आप लोग जानते हो कि वृंदावन कैसे जाते हैं। वहाँ हम वृंदावन में रहते हैं, देखते हैं जगह जगह से मंडली आती है और अपनी अपनी भाषा में कीर्तन करते हुए नाचते भये गाते भये चलते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हम लोग देखे हैं। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भये वृंदावन जाने। हरि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे तेरे वृंदावन Thank you.
सारा
Prince,
बंसीवदन प्रभु जी आए हैं, आपको भागवत की महिमा आपको सुनाएंगे थोड़ी सी, ठीक है। इनकी उड़िया भाषा में टीवी में इनकी कथा आती है, ये टीवी में भी इनकी कथा आती है, टीवी में भी ये कथा देते रहते हैं और लिखे पढ़े। और ये थे संस्कृत कॉलेज में, ये प्रोफेसर थे, लेकिन जब गुरु जी के पास में आए, फिर जब भक्ति की महिमा को सुने, तब उनने सब छोड़ करके हमारे बड़े गुरु जी से उन्होंने आश्रय लिए हैं सर्वत्र। विशेष करके उड़ीसा में इनका बड़ा नाम है, उड़ीसा में बहुत सारी जगह पर ये उड़ीसा में प्रचार करते रहते हैं, कभी कभी उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, अलग अलग जगह पर। और कोई उस पर कोई माइक हो सकती है? खोल दे इसको, इसे बंद हो गया। पहले इसे बोल दे, उसको रेडी करो। हरि बोल। हरि कृष्ण। खड़े होने से सब लोग दिखाई देते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमनन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जह्नवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीना बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणान्तिकम् जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भक्त्या विहेना अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलिए बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे परमाराध्यतम निरुपाधिक करुण बारिधि गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड गोस्वामी पाद रसिक आचार्य वर्ज महामोपाध्यक्ष विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पर उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूं। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरणों में अधम का यथायथ प्रणाम स्वीकार। हम लोग का बड़े सौभाग्य है कि महाराज जी से ये 7 दिन हम लोग का कथा श्रवण करने के लिए सुयोग मिला है। मनुष्य जीवन में ये बड़ा लाभ है जिस समय साधु संग में हरि कथा में समय व्यतीत होता है। कहते हैं एक बार वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के आश्रम में आए पधारे। विश्वामित्र जी ने बड़ी आदर सत्कार किए आनंद अनुभव किए अभिवादन किए स्वागत संवाहन किए। वशिष्ठ जी सत्कार करने के बाद वार्तालाप हुआ। जब जा रहे थे विश्वामित्र जी अपना उपहार स्वरूप अपना जीवन के आधा जीवन का तपस्या का फल उन्होंने अर्पण किया। बोले मैं जो जीवन काल में आधा तपस्या किया पूरा आधा जीवन का तपस्या का फल मैं आपको दे रहा हूं उपहार के स्वरूप में। वशिष्ठ जी लेकर के गए और कुछ दिन के बाद ऐसे तो आना जाना रहता है विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी उनके आश्रम में पधारे। वशिष्ठ जी बड़ा आनंदित हुए स्वागत किए अभिवादन किए सत्कार किए आतिथ्य प्रदान किए पूजन भी किया। कुछ देर के बाद जब विश्वामित्र जी निकले वशिष्ठ जी के आश्रम से वशिष्ठ महाराज जी ने बताया कि ठीक है महाराज जी मैं आपको मेरा जीवन काल में किया हुआ आधा घंटा हरि कथा का फल प्रदान करता हूँ आधे घंटे की हरि कथा सुनने का फल प्रदान करता हूँ। विश्वामित्र जाऊंगे भाई हम किसके घर पे जाए और 5,000 रुपया दे करके आए शादी में और हमारे घर में वो आए 50 रुपया दे के चले पड़े तो हमको जरूर खराब लगेगा।
इतना व्यवहार ज्ञान पता नहीं, 5,000 देकर के आया था, 50,000 देकर के चला गया। तो वशिष्ठ जी बोले कि विश्वामित्र बोले वशिष्ठ जी आप हमारे साथ वो ठीक नहीं किया व्यवहार। बोले क्यों? क्योंकि कहां मैंने आधा जीवन की तपस्या की फल प्रदान किया और मैंने जब आया आप सिर्फ आधा घंटा हरि कथा सुनने का फल। बोले लग रहा है कि आपको कम लग रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आपसे भी ज्यादा गुण हो सकता है। बोले आप तो बोलने से नहीं होगा, कौन है उसको विचार करेंगे। अनंत देव है, चलो अनंत देव के पास चलते। अनंत देव के पास पहुंचे, जो पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड को फणा के ऊपर धारण करते हैं, ब्रह्मांड के पास जब अनंत देव के पास पहुंचे, अनंत देव को विश्वामित्र जी ने बताया कि देखिए महाराज जी, वशिष्ठ जी हमारे पास आए थे, हमने आधा जीवन का तपस्या का फल दे दिया और उनके पास मैंने गया तो उन्होंने आधा घंटा का केवल हरि कथा भागवत कथा सुनने का फल दे दिया। विचार मुझे अच्छा नहीं लगता, व्यवहार ठीक है। अनंत देव बोले देखो ये बहुत बड़ा गंभीर विचार है, विचार करने के लिए हमारे माथा में थोड़ा दर्द है ब्रह्मांड को धारण करते करते, आप लोग कोई थोड़ा उठा दो, मैं हल्का हो जाऊंगा फिर संभाल करके बोलूंगा। विश्वामित्र क्या किया ब्रह्मांड को धारण करने के लिए, पूरा पूरा जीवन में किया हुआ तपस्या को लगाते गए पूरा जीवन का लगा दिए तपस्या का फल। अनंत देव बोले छोड़ो ना, छोड़ दीजिए अभी तो रह जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड ढक बगाने लगा, ब्रह्मांड को धारण कर नहीं पाए। विश्वामित्र जो चौंगे भगवान आप पूरा जीवन का तपस्या का फल लगा दिया, ब्रह्मांड नहीं धारण हो रहा पा। अनंत देव बोले वशिष्ठ जी आप कुछ कीजिए। उन्होंने बोले मेरा पास तो वही है आधा घंटा के हरि कथा का फल। तो उन्होंने जब लगाया ब्रह्मांड तो पूरा टिकने लगा। अनंत देव झड़ने के बाद पूरा माथा को ठीक किया, हल्का हो गए। विश्वामित्र जी ने पूछा कि महाराज जी अभी तो बताइए आधा घंटा हरि कथा का फल ज्यादा है कि हमारे आधा जीवन तपस्या का फल ज्यादा है। अनंत देव बोले फिर बताना पड़ेगा, प्रमाण तो सामने आ गया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साध की हरे कोटि अपराध। अगर साधु संग सत्संग भगवान के साथ भगवान की कथा के साथ संग हो जाए तो जीवन बदल ही जाएगा। सत्संग का महिमा इतना है, सत्संग की महिमा ऐसा है काक से तोए हंस बनाए, कि कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है, लकड़ी चंदन में रूपांतरित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कथा में जो आकर के बैठे यहां से जब जाएंगे, महाराज अभी बता रहे थे कि रंग बदल जाएगा, मतलब क्या है, दो हाथ यहां से निकल जाएगा, 7 दिन जब होगा चार हाथ होकर के सब निकलेंगे यहां से, ऐसा होगा। और बेटा की शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगा, जितना कमाई कर रहे थे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या होगा साधु संग में आने के बाद, सत्संग करने वाले क्या होगा, बगुला हंस बन जाता है, यानी देखने के लिए वही सफेद रहता है, कौवा कोयल बन जाता है, देखने के लिए वही काला रहता है, वजन भी घटता नहीं कि बढ़ता नहीं, लकड़ी चंदन बन जाते है, लेकिन स्वभाव में बदल जाता है। सत्य शांति दया क्षमा, भगवान को प्रेम करना, प्रीति करना, हरिनाम करने की रुचि आदि महान गुण बढ़ जाता है, लकड़ी चंदन हो जाता है मतलब सुगंध आ जाता है, कोयल कौवा कोयल बन जाता है मतलब उनके कंठ में मधुरता आ जाती है, बगुला हंस बन जाता है मतलब मोती ढूंढता है ना कि मछली ढूंढता है। इसलिए सज्जन इसी जीवन काल में अगर साधु संग हो गया, समझ लो जिनका संग चढ़ता होता है उनका रंग अवश्य ही चढ़ेगा, ये चाहे ना बोले लेकिन आचरण में प्रकाशित तो होगा। जैसा एक चिड़िया बसा में, तो अपना बसा में रहता था, कुछ दिन के बाद एक बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गई, आंधी तूफान में उनका बसा भी नीचे गिर गया, छोटे छोटे दो बच्चे थे, क्या
घोसला, हाँ घोसला तो नीचे गिर गया और चिड़िया ने अपने दो पंख हुआ था छोटे छोटे चिड़िया को बच्चे को बचाने के लिए अपना दो पंख से ढक करके बैठ गए। कुछ देर के बाद आंधी तूफान चला गया लेकिन चिड़िया तो मर गया मर गई, लेकिन दोनों जो चिड़िया थे छोटी छोटी बच्चे, ये दोनों बच्चे उड़ने लगे और कहाँ चले गए कौन कहाँ पहुंच गए पता नहीं, लेकिन वहां ही पहुंचे। एक बच्चा तो पहुंच गया एक डकैत के घर पर, कंसई के घर पर, और एक चिड़िया पहुंच गया साधु के आश्रम में। लेकिन साधु के आश्रम में पहुंचने वाला चिड़िया जब साधुओं का संग किया उनका रंग उनके ऊपर चढ़ गया और बच्चे जो दूसरा बच्चा कंसई के घर में था उनमें भी वही रंग दूसरा रंग चढ़ गया जो कंसई के घर से प्रवेश होता है। एक व्यक्ति पथिक एक बार जा रहे थे उसी कंसे के घर वाले पर, जब जा रहे थे प्यास लगा पानी पीने के लिए, वो चिड़िया बोल रहा है ए कहाँ रहे हो खबरदार तुमको क्या पता है, तुम क्या सोच रहे हमारे मालिक घर में नहीं है, हम तुम्हारे आंख का गोली ले सकता हूँ, क्या क्या बात बोलने लगे तो डर गए भागो यहाँ से। उन्हें तो सचमुच डर के भाग के आ गए, चिड़िया ऐसा बोल रहा है। कुछ देर के बाद जब आगे चले गए तो देखा और एक चिड़िया बैठी है, वो स्वागत करे पथिक महाशय सुस्वागतम आइए भगवान पधारिए श्रीमन, यहाँ पर हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, आपको देखने से पता लगता है कि आप प्यासी हो, आप आ जाइए कुछ तो पानी लीजिए, हमारे आश्रम के मालिक नहीं है नहीं तो आपकी बड़ा स्वागत करते हैं, घड़ा में पानी है मीठी पानी है आप खुद लीजिए पी लीजिए, लग रहा है कि आप डरे हुए हो क्या हो गया, तो बताया कि भाई आपके जैसा एक चिड़िया को मैंने वहां देखा और आपको देख रहा हूँ दोनों सेम है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार बात बोला और आप इस प्रकार बात बोल रहे हो, बोले हाँ जी ये बात मुझे पता है क्योंकि हम दोनों दो भाई है जुड़वा है एक साथ जन्म लिए, लेकिन मेरा सौभाग्य के कारण मैं तो आपके आश्रम में पहुंच गया, लेकिन उनका दुर्भाग्य कैसा है पूर्व संस्कार कैसा है, उन्होंने कंसे के घर पर पहुंच गया, दोनों तो रह गए लेकिन संग के प्रभाव से रंग बदल गया, इसलिए संग जैसा होगा रंग जरूर चढ़ेगा, ऐसा बात नहीं कि कोई उसको रोक नहीं सकते, ऐसा जरूरी है, इसलिए चाहे कितना खराब वाले खराब व्यक्ति को सत्संग में ले आओ ये जरूर बदल जाएगा, और कितना अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी हो खराब संग में चला जाए वो जरूर बदल जाएगा। इसलिए साधु जीवन काल में जरूर ध्यान देना है कि हमको कैसा सत्संग मिले। भागवत महात्म्य कहते हैं भाग्यो, हाँ तो चिड़िया ने बताया ये मेरा दोष नहीं ये मेरा गुण नहीं कि वो उनका दोष नहीं, दोष या गुण दोनों का तो संग का ही है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान कृत मोह मदांधकार नाशं विदेय दयते विवेक। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, भाग्य उदय होने से यानी एक जन्म का नहीं करोड़ जन्म का जो भाग्य पूंजीभूत होता है इकट्ठा होता है सुकृति, तब सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै, व्यक्ति को साधु संग मिलता है सत्संग प्राप्त होता है, और साधु संग मिलने से होता क्या अज्ञान कृत मोह मद अंधकार, अज्ञान के द्वारा आने वाले अंधकार मोह मद अहंकार ये घट जाता है, उदयते विवेक उसके बदले में विवेक उदय हो जाती है ज्ञान आ जाता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो वास्तव फल को पहचानता है नित्य क्या है अनित्य क्या है ज्ञान क्या है
अज्ञान क्या है, सत क्या है, झूठ क्या है, वो ज्ञान आ जाता है, विवेक उदय हो जाता है। इसलिए सज्जन ये जो भागवत कथा हुआ ये पूर्व जन्म की स्वीकृति के कारण हम लोग के अंदर ये उदय हुआ, आज पूंजीभूत हुआ, किसी किसी जन्म का कोई संस्कार का इकट्ठा हुआ, जिनके कारण हमारे अंदर परमात्मा हमको प्रेरित किए और हम आकर इसी जगह पर पहुंच गए भागवत की कथा के स्थान पर। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है महाराज बता रहे थे ना, ये स्वयं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम स्वयं नारायणम एव ही, साक्षात नारायण है, स्वयं भगवान कृष्ण है, कृष्ण का कोई अलग एक ही स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण वाङ्मयी प्रतिमूर्ति। भगवता प्रोक्तम नाम भागवतम, ये भगवान के द्वारा कहा गया था, और भगवतः इदम, ये भगवान से आया है, इसलिए वो भागवत ग्रंथ है जो कि बड़े अमूल्य रत्न है। ग्रंथ चक्रवर्ती, पुराण सम्राट, शास्त्र शिरोमणि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। जितने ग्रंथ जगत में है, पहले जितने ग्रंथ थे, आगे जाकर के जितने ग्रंथ होंगे, ये सारी ग्रंथों में चक्रवर्ती, सारी पुराण के शिरोमणि, सारी शास्त्र में जो कि ये ग्रंथ है पुराण शिरोमणि, इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए ग्रंथ का साथ अगर संग हो जाए, कोई वैष्णव की मुखार बिंद से सुनने के लिए मिल जाए, छोटा भाग्य से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जितने ग्रंथ है सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये ग्रंथ को आप देखिए, ग्रंथ ऐसा है कि बाकी जितने सारी ग्रंथ है, पुराण है, साधन है, उसको साधन करना पड़ेगा, सुनने से केवल नहीं होगा। योगों के बारे में लीजिए, पातंजलि योग दर्शन हो, क्रिया योग हो, कुछ भी हो, आप सुनने के बाद काम नहीं करेगा। कपालभाति के बारे में सुन लिया, पूरा 4 घंटा लेक्चर सुना, आकर के घर में बैठा, कुछ काम करेगा? आपको कपालभाति करना पड़ेगा, भर्त्सिका करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। ध्यान के बारे में, ज्ञान योग के बारे में सुन लिया, बहुत ज्ञान योग के बारे में सुना, अगर ध्यान नहीं किया काम करेगा? लेकिन भागवत ऐसा है, भक्ति ऐसा है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सुनना ही साधन है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप यहां से चले गए, आए, बात कथा सुने और चले गए, काम हो गए। घर में जाकर कुछ करना नहीं है, और फिर काल फिर किसी जगह पर उसी समय पर आ जाना, फिर कथा सुनना। श्रवण उनका पहला साधन है, आचरण मतलब श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, श्रवण उनका पहला अंग है, सुनना बस। हमारे याद है, हम जब पहला बार आए थे, असत प्रभु हमको बता रहे थे सुनने का रिजल्ट कैसा है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो करने के लिए प्रवृत्ति अपने आप करा देगा। वो बता रहे थे, उनको किसी भक्त ने बुलाया तो बोले कि भाई प्रसाद हमारे घर में क्यों भेजोगे, चलो हम प्रसाद के समय जाके पहुंच जाते। और प्रसाद के समय जाकर के पहुंच गए, कुछ देर के बाद कुछ दिन हर संडे फिर जब निमंत्रण आया, बोले कि चलो कथा के समय जाके, केवल प्रसाद के समय जाके बैठना अच्छा नहीं लगता। अरे पावर चले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय सब गोपाल जय जय गोविंद।
कीर्तन करने के समय कोई कोई बीच बीच में पूरा बैठ जाते, भाई हम तो सुनने के लिए आए हैं, बोलना क्यों है? बुलाए काम करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए बोल रहे, बड़ा चतुर बाबा लग रहे। पहला दिन तो बोलेंगे अब लोग कुछ नहीं करना है, फिर आ जाओ बैठ के थोड़ा सुन लो, और जब सुनेंगे उसके बाद फिर बीच बीच में बोलेंगे, नहीं केवल सुनना नहीं है, बोलना भी है, जीभा को फिर चलाओ। ठीक है भाई, सुन लिए, आ गए और बोल दिए, लेकिन उसमें मन संतोष नहीं होता है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो आ गए बोल दिए, और जाने के बाद फिर रोज रोज वही करना है, थोड़ा हरिनाम कर लो, पूरा पूरा उनको पकड़ना चाहते हैं, मृत्यु छंदान वर्ती न। तो इसलिए भाई ये रंग ही ऐसा है, और कोई जब ऐसा सुनते हैं काम बन जाता है। इसलिए किसको अगर भक्त बनाना चाहते हो तो आप उनको कुछ नहीं करना है, लिफलेट बांटो और उनको फोन करो, और वो जैसे तैसे उठा करके ले आओ इधर, बैठ कथा सुनो, सुनो रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि जब मैंने फिर थोड़ी देर से पहले हमने पूछा कि उससे पहले क्या होता है ना, आरती होती है, आरती होता है, अच्छा ठीक है, आरती के समय चले, और कुछ दिन के बाद बोले उससे पहले क्या होता है ना, कीर्तन होता है, फिर कीर्तन में गए, उससे पहले क्या होता है कथा होती है, फिर कथा में गए, कुछ देर बाद ऐसा हुआ और पहले ही आ करके दरी बिछाने लगे, सब कुछ करके फिर सत्संग ही हमारा हो गया। तो जीवन का ऐसा बदल कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है। भद्रम करने भ्यः श्रुणुयाम देवः, बस केवल सुनो भागवत सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए, अगर कोई सुने तो जीवन का सारी व्यथा कट जाता है केवल कथा सुनने से। महाराज बता रहे थे ना, कथा मतलब कृष्ण के स्वयं स्वरूप है, चाहे वैकुंठ में भगवान हो सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन जहाँ कथा होती है यहाँ भगवान वहां नहीं होंगे, ये बात कभी नहीं हो सकता। जत्र मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए विशेष रूप से ये जो भागवत कथा है ऐसा है, भागवत हमारे गुरुपाद पद्म कहते थे ये कृष्ण परक ग्रंथ नहीं है। हे भगवान आप क्या बता रहे महाराज जी, आज तक हमने सुना था भागवत तो कृष्ण के संबंध में है, कृष्ण चरित वर्णन है, कृष्ण परक ग्रंथ नहीं। नहीं, हमारे गुरुपाद पद्म कहते हैं ये कृष्ण परक ग्रंथ नहीं है, यानी उनका उद्देश्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण परक नहीं है, उद्देश्य कृष्ण नहीं है, उनका प्रतिपाद्य विषय कृष्ण नहीं है, उनका प्रतिपाद्य विषय गोपी प्रेम की महिमा का गुणगान है। इसमें ब्रजवासियों का जो प्रेम है उनका महिमा कितना ऊंचाई है, ऐसे कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उनको भी कैसा पटका देते हैं, वो भी कैसा झुक जाते हैं, स्वयं अपने को ऋणी मानते हैं, ये गोपी प्रेम का महिमा को व्याख्या करने वाला ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। न पारये अहम निरवध्य संजुजा स्वसाधु कृत्याभ्युधायुषा पिवा। न पारे अहम, हे गोपियां, हे ब्रजवासी, तुम लोग का जो ऋण है मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा, चाहे मुझे अमर के समान, देवताओं के समान, ब्रह्मा के समान भी आयुष्य मिल जाए, और पूरा पूरा समय मुझे तुम लोग का ऋण चुकाने के लिए प्रयास करूं तो भी मैं ऋणी रह जाऊंगा, लेकिन आप लोग का जो प्रेम है, आप लोग का जो हमारे लिए जो देन है, मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि हाँ, इसलिए कृष्ण अपना पिताम्बर को पकड़ करके माफी मांगते हैं, कर जोड़बद्ध बद्धांजलि होकर के क्षमा प्रार्थना करते हैं, हे गोपियां तुम लोग अगर मुझे कृपा करके ये ऋणा से अगर परिशोध कर पाओगे तो हो सकता है, लेकिन मेरे द्वारा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण ये प्रेम के, इसलिए क्योंकि गोपियां को अगर बोलते हैं तुम लोगों कुछ मांगो, जे जथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं, हम जो मुझे जो जितना प्रेम करता है मैं उनको उतना प्रेम करता हूँ, इसलिए आप मुझसे कुछ मांग लो मैं दे दूंगा, तो गोपियां मांगती है तत् सुखे सुखे तुम, हे प्रभु आप सुखी हो जाइए,
तो भगवान की जितना वो लोग सेवा करते हैं, केवल उसके बदले में भी कृष्ण का सुख चाहते हैं, वो जितना सेवा लेते हैं उल्टा उतना ऋणी ही रह जाते हैं। वही प्रेम का जो प्रतिपाद्य विषय है ये है भागवत। इसलिए भागवत ग्रंथ केवल कृष्ण पर ग्रंथ नहीं है, ये गोपी प्रेम का महिमा के गुण कीर्तन करने वाला ग्रंथ है। इसलिए उनका जो पहला श्लोक है, जन्मादस्य यतो नयादितरतो सार्थेश्व भिज्ञ स्वराट, ये ग्रंथ ये श्लोक में पांच प्रकार की व्याख्या गुरुदेव करते थे। पहला है तो भगवान ऐश्वर्य परक कृष्ण और उनकी सृष्टि की वर्णना। दूसरा है तो ब्रजेंद्र नंदन रसो वही सह रसरास रसकेंद्र मोड़ी भगवान कृष्ण चंद्र की वर्णना। और दूसरे में प्रणाम करते हैं कि श्रीमती राधारानी को। और चौथा में रसो वही सह माधुर्य प्रेम गोपी प्रेम को। और पांचवा है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को। ये पांच परक व्याख्या विशेष रूप से है इसी पहला श्लोक में। बड़ी सुंदर रूप से वर्णन है, महाराज जी बताएंगे और धीरे धीरे सुनेंगे। आज तो महाराज जी भी बताएंगे, आप लोग सुनाएंगे, फिर एक घंटा और बाकी कथा सुनाएंगे हम। फिर धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा, मैं तो 7 दिन रहूंगा, कुछ कुछ विषय को भी हम भाई बाद में बीच बीच में कथा बोलेंगे। इतना बोल करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। विशेष रूप से भागवत जो महिमा है बड़ी सुंदर है, उनका दूसरा श्लोक जैसा कहते हैं, धर्म प्रोज्जित कहितव अत्र परमो निर्मशरणं सतं वेद्यं वास्तव वस्तु तस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरेश्वरः सद्य हृदय अवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहते इसी श्लोक ऐसी भागवत ऐसा ग्रंथ है, इसमें इतना माधुर्य परक कथा मंगलाचरण इस श्लोक में है कि कहते इसी भागवत ग्रंथ ऐसा है, इसमें धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परमो। इसी भागवत ग्रंथ में केवल धर्म की बात नहीं कहा गया, इसी भागवत में परम धर्म की बात कहा गया। जो धर्म में कोई कैतव नहीं है, छलना नहीं है, चिटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, जो भागवत में कैतव को झाड़ू मार करके बाहर फेंका गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई गंध उसमें नहीं है, केवल भगवान की सुख विधान करने की जो प्रेम है केवल वही बात उसमें है। इसलिए भागवत ग्रंथ में परम धर्म की बात है। अत्र पहला अत्र, दूसरा क्या कहते हैं, वस्तु तस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। और इसमें वास्तव वस्तु को प्रदान करने वाला ग्रंथ है जो कि भगवान कृष्ण को प्रदान करने वाला है। और तापत्रयोन्मूलनम् कि तीन ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये तीनों ताप को दूर करने वाला है जो कि उन्मूलनम्। उन्मूलनम् मतलब ऐसा तो हम देखते गंगा में पाप हरण करते हैं, जाके डुबकी लगाओ सारी पाप नष्ट हो जाती है, चार धाम करके आए पाप भी नष्ट हो गया, लेकिन भागवत सुनने से बड़ी लाभ क्या है। कहते पाप उन्मूलनम यानी पाप करने की जो इच्छा है, पाप करने की जो वृत्ति है उसको ही नष्ट कर देते हैं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः सद्य हृदय अवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अगर कोई इस भागवत ग्रंथ को शुश्रूषुभिः सुनने के लिए इच्छा कर ले, करना बड़ी बात है, सुनना बड़ी बात है, आ नहीं पाए, पंपलेट पहुंच गया, सोच लिया कि मैं जाऊंगा और भागवत सुनूंगा, इच्छा कर लिया, तो भगवान सद्य हृदय अवरुध्यते। अवरुध्यते माने दो बात है, अवरुद्ध हो जाना और विराजमान होना, इसमें दो बात है। अवरुद्ध मतलब एक कैद जेल में अवरुद्ध हो गया, बंदी हो गया, यानी एक बार बंदी हो गया और चाहने पर भी बाहर निकल के नहीं आ सकता, लेकिन विराजमान यहां पर सब लोग आ गए, आप लोग विराजमान है, जब इच्छा हो तब उठ के जा सकते,
तो भगवान भागवत सुनने वाले के हृदय में विराजमान नहीं होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी कोई अगर उनको भी निकालने के लिए चाहे, वो खुद भी चाहे तो भी और बाहर निकल नहीं सकते। जैसा कोई और अवरुद्ध है, आत्मनिपदी, दूसरा किसको ला करके, कैदी को तो दूसरा पुलिस ने ला करके अवरुद्ध करता है, बंदी बनाता है, लेकिन भगवान ऐसा है, भागवत सुनने वाले व्यक्ति का हृदय इतना कोमल हो जाता है, भगवान स्वयं वैकुंठ छोड़ करके खुद आते हैं बंदी बनने के लिए। सत्य हृदय अवरुद्धत करते भी, लेकिन इतना सहज साधन को हम लोग क्यों अपना नहीं पाते मनुष्य जीवन मिलने के बाद? उसके कारण क्योंकि सुकृति चाहिए, कृति तत्क्षणा। इसलिए इसी भागवत ग्रंथ को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। कैसे सुनना है, क्या है, सब महाराज जी बताएंगे। इतना बोल करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। कितने बजे तक कथा सुन सकते हो? 12 बजे तक ना? 1:30 बजे? 1:30? कितने बजे तक कथा होगी? 1 बजे तक। 1 बजे तक बैठोगे? ठीक है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर हरी। जय गोपी जन
कृष्णाय भयम नमः। मतलब भागवत कथा की महात्मा कहते दो पुराण में आती है, एक है पद्म पुराण और दूसरा है स्कंद पुराण। अभी हम कोशिश करेंगे दोनों पुराण की कथा को थोड़ी थोड़ी सुनने के लिए। ये जो पहला श्लोक जो मंगलाचरण में बताए, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम्। ये पहला श्लोक में ये मंगलाचरण श्लोक है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का चरण में प्रणाम करते हैं। बोले केवल कृष्ण चरण में नहीं, किसकी चरण में? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मतलब वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हो? कौन हाथ उठा, कौन कौन वृंदावन है? देखना वृंदावन तो भाग्य विहारी की धाम है, लेकिन वहां पर किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। वहां क्या बोलते हैं? जोर से बोलो और जोर से। वहां पर सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं वहां पर, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? बोले कारण ही जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं हो ना, तब तक श्याम सुंदर नहीं मिलते। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं अकेला माधव पूज सो अज्ञानी राधा अनादर करे अभिमान। बोले जो अकेला कृष्ण को पूजा करते हो अज्ञानी मूर्ख है, जो राधा रानी को अनादर करते हैं। बोले कब ही ना कर भी ता कर संग ब्रज इच्छा से यदि ब्रज रस रंग। अगर तुमको ब्रज रस पाने की इच्छा हो तो ऐसे भक्तों का संग एकदम मत करो जो केवल अकेले कृष्ण को पूजा करते हो, राधा रानी को पूजा नहीं करते हैं, उनका संग मत कर, मना कर देते हैं। नहीं तो तुमको राधा रानी की प्रेम तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहते ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बलिरा सद कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभा। अगर किसी ने रा अक्षर केवल बोल दिया, कृष्ण कहते हैं भैया मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ, इसको मैं दू किया, क्योंकि राधा रानी का पहला अक्षर बोला। कहते रा अक्षर की इतने महत्व है, कृष्ण कहते हैं इसकी विनिमय में देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं रहता है, फिर मैं खुद को खुद उसको दे देता है, भैया आज से मैं तेरा ही हो गया, क्योंकि मेरे राधा रानी का रा अक्षर बोल दिया ना। अगर कोई धा बोल दिया, अगर ये दो अक्षर बोल दिया, कृष्ण कहते हैं फिर तो ये दो अक्षर सुनने के लिए उसको पीछे पीछे में घूमता रहता है, मैं उसको पीछे पीछे भागता रहता हूँ, जिधर चलता है ना। इसलिए कहते राधे राधे रम तो चले आएंगे
बिहारी, इसलिए यहाँ पर केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, श्री कृष्ण को चरण में मतलब राधा जी को साथ में कृष्ण को चरण में प्रणाम करते हैं। बोले भैया इनको प्रणाम करने से क्या होगा? बोले सचिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे, कहते अगर इनके चरण में शरणागति होगे, प्रणाम करोगे, कि तुमको छह चीज की प्राप्ति होगी। कितना चीज मिला है तुम्हें? छह चीज। बोले छह चीज क्या मिलेगा? बोले भगवान जैसे सचिदानंद रूप स्वरूप है, तुम्हें भी वो सचिदानंद तो की प्राप्ति होगी। भगवान सत स्वरूप है, इसलिए देखना हम भी कभी कोई मरना नहीं चाहते। कोई मरना चाहते बताओ? बताओ कौन मरना चाहते? अगर कोई एक बाल पक जाए ना उसको उखाड़ देते हैं, अगर हैं, इसलिए उखाड़ देते उसको। इसलिए हम ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? कारण क्या है? च्यवनप्राश क्यों खाते? जीभ में क्यों जाते हैं? हम कोई भी बूढ़ा बनना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहते हैं कोई, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है और नव किशोर नटवर है, इसलिए हम भी उसी स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम भी एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और भगवान आनंद स्वरूप भगवान है, इसलिए जिंदगी भर केवल हम आनंद को ही ढूंढते हैं जीवन में। लेकिन ये चीज मिलेगा कैसे? इसलिए ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है, बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। इसमें तीन वार्ड आता है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अतः मतलब हम जीवन में आनंद ही ढूंढते हैं, जीवन में सुख शांति और आनंद ढूंढते हैं। लेकिन जहां अतः मतलब जहां ढूंढनी चाहिए हम वहां नहीं ढूंढते। हम कहां ढूंढ रहे हैं सुख शांति आनंद? बोले संसार। बोले इसका नाम ही संसार है। संसार मतलब क्या? सम्यक रूप में सरती, जो हर समय हमसे अलग जो होते हुए जा रहा है। हमारे पिताजी की पिताजी की पिताजी भी थे, वो भी चले गए, एक दिन हम भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये दुनिया तक तुम्हें कभी वो आनंद दे नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया नश्वर है, अनित्य वस्तु है। ये दुनिया को जो बनाया वो स्वयं कहते हैं ये दो का घर है, ये दो का घर ये दुनिया है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई गर्लफ्रेंड से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, दुखी दुखी दुनिया दुखी है। ये दुनिया तुम्हें कोई शांति नहीं दे सकता है, फिर ये शांति कहाँ मिलेगा? बोले ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक प्रभु की शरण में नहीं जाओगे ये दुनिया में कभी तुम्हें शांति सुख नहीं मिल सकती है। लेकिन वो मिलेगा कब? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, जब ठाकुर जी की शरण में जाएंगे फिर ये सचिदानंद तो की प्राप्ति होगी। और ताप त्रय विनाशाय, आध्यात्मिक आदि दैवी और आदि भौतिक, ये जो तीन तरह का दुख है कब समाप्ति होगी? जब भगवान की शरण में हम जाएंगे। इसलिए ये जो पहला जो श्लोक है ये मंगलाचरण श्लोक में श्री जुगल सरकार की यहाँ पर सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। जब से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाया, ये भागवत कथा विश्राम होने पर गोलक वृंदावन से एक सुंदर रथ उतरते हुए आया, और श्री परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी स्वरूप को धारण करते हुए रथ में बैठे। और ये भूर भुव मोह जन तप सब लोग को पार करते हुए रथ उनको सीधा गोलक वृंदावन लेकर पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। प्रभु जी एक अच्छी बात आपको बता रहे थे, हर चीज को सुनने का बात करना पड़ेगा। जगा सुन लिया जीवन में करना पड़ेगा, ज्ञान की बात सुन लिया करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति कथा ऐसे की चीज है तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, केवल बैठो और सुनो। परीक्षित महाराज क्या क्या बताओ? कोई जगा किया, कोई साधन किया, कोई तपस्या कुछ किया है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल बैठो और केवल सुना ही कथा। कथा सुनते सुनते
जब तक तुमको भगवत प्राप्ति हो गई ये अनुभूति नहीं होएगा, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये जो साधन है ना, जो कथा सुनना एक साधन है, लेकिन आपको लगता है अरे हम तो गए केवल बैठ कर सुन करके आ गए, नहीं, साधन किसको कहते हैं, बोले जब हमारी मन एकाग्र होकर की केवल उनकी चरण में डूब जाए, इसको साधन कहते हैं ना। जैसे यहाँ पर बैठे हो, मन कहाँ पर है, कथा में ही, मन भगवान की चरण में, भगवान की कथा में ही आपका मन, और कहीं नहीं। इसलिए साधन इसको कहते हैं, किसी तरह से प्रभु की चरण में मन हमारी डूब जाए, यही सबसे बड़ा साधन है। और मन तो डूबा हुआ है, जिसकी कथा सुन रहे हो उनकी चरण में तुम्हारी मन डूबा हुआ। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, परीक्षित कुछ नहीं किया, केवल कथा ही सुना और सीधा प्रभु के पास में पहुंच गए। उन्होंने एक तराजू लाए, तराजू का एक तरफ में ये जगत का जितने सत्कर्म है, जगत का जितने तीर्थाटन दान पुण्य जितना जगत का, उन्होंने तराजू का एक तरफ में धर दी। तराजू के दूसरे तरफ में उन्होंने केवल भागवत कथा सुनने का फल उन्होंने धरा। देखा जिधर भागवत कथा रखा था, पत्थर जैसे जैसे को तेज जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने पुण्य हैं सारा पुण्य हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला, भैया ये भागवत कथा में जो पुण्य है, पृथ्वी का सारे पुण्य को एकत्रित कर लो, लेकिन ये भागवत कथा को साथ में आप किसी चीज का बराबर नहीं कर सकते हैं, किसी चीज को तुम बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए ब्रह्मा को जब ये बात पता चला, ब्रह्मा कौन है, बल्कि द्वादश महाजन में एक महाजन है, स्वयं नारद शंभु, ये स्वयं ब्रह्मा जी परम साधु है, और इनका बच्चे भी बड़े बड़े साधु नारद जी है, चतुसन है। बोले भैया आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर ये भागवत कथा चलनी चाहिए, हैं? हर समय ये ब्रह्म लोक में भागवत कथा चलते रहे। इसलिए ये ग्रंथ का नाम क्या है, बोले श्रीमात भागवतम। क्या नाम है? श्रीमात भागवतम। बोले इसका मतलब क्या है, बोले भा मतलब, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग बोले गीयते नारदादि भी, बोले ब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त बोले चरणी च भवार्णवा। बोले मतलब क्या है, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, केवल हम ही कथा सुन रहे हैं ऐसे बात नहीं, अभी अभी हम कथा सुनेंगे। जब चतुसन ये कथा करने के लिए गए, ये कथा सुनने के लिए, तो सर्वप्रथम जितने सारे वैष्णव लोग भागते भागते आए, क्यों, जत वैष्णव नाम प्रियम, ये वैष्णव का ही ग्रंथ है। केवल वैष्णव नहीं, ब्रह्म लोगों से जितने ऋषि मुनि लोग आए, देवता लोग से जितने देवता देवी आए, जितने गंगा जमुना सरस्वती सख्यात मूर्तिमान रूप में आए, जितने अयोध्या मथुरा माया ये सब के सब आए, जितने दंडकार नदी ये सब के सब आए, और जो नहीं आए अगस्त ऋषि सब घर घर में गए। बोले सुना है, बोले क्या है, बोले चतुस्थान हरिद्वार में कथा कर रहे, चलो सबके सब कथा सुनने के लिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से कहीं ये कथा सुनने को मिलता है, चलो सबके सब कथा सुनने के लिए चलो। इसलिए वो कथा सुनने के लिए सारे देवा देवी ऋषि मुनि सबके सब कथा सुनने के लिए आते हैं, हैं? और जब कथा करने के लिए जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की बौछार की और भागवत कथा की जयकार लगाए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता की, आनंद में आए जयकार, लगता है सब सो रहे, सो नहीं रहे सब। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता की, इसका तात्पर्य क्या है, बोले इसका तात्पर्य है अगर कहीं ये भागवत कथा होना, स्वर्ग का देवता लोग भी खुश हो जाते। हमारे पूर्वज लोग, अब देखना कभी कभी घर में सारे चीज है, रुपया पैसा धन दौलत, लेकिन कभी कभी देखना घर में शांति सुन नहीं, जानता हो क्यों नहीं है, कहते हमारे पितर दोस्त कुछ होता है, जो पूर्वज लोग चले गए
अगर वो खुश नहीं होना, भले ही तुम्हारे घर में जितनी रुपया पैसा धन दौलत हो, देखना घर में सारी चीज, लेकिन घर में अशांति, घर में दुख कष्ट है, शांति नहीं मिलती। बोले क्यों? कारण है हमारे पूर्वज लोग प्रसन्न नहीं है। लेकिन ये पूर्वजों को शांति कब मिलती है? जब घर में ये भागवत कथा हो। अभी हम कथा सुनेंगे, धुंधुकारी गोकर्ण की कथा सुनेंगे। इसलिए अगर पूर्वज हमारे ऊपर में खुश नहीं हो ना, तुम्हारे घर में सब कुछ रहने पर भी घर में शांति सुख नहीं मिलती है। लेकिन जब कथा होना, ये पूर्वज लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए नियम है कथा में पूर्वजों को फटल ला कर रखते हैं। क्यों? ये भी कथा सुने और इनको भी भगवत गति हो, इनको भी शांति सुख इनको भी हो। इसलिए जब कथा हो, सारा दुनिया प्रसन्न हो करके, देवता लोग ऋषि लोग भी कथा सुन करके प्रसन्न होते हैं, वो भी सबके सब भागवत कथा की जयकार लगाते हैं। इसलिए भा मतलब होता है भाति, सर्वेषु लोकेषु, समस्त लोक में ये भागवत ग्रंथ की पूजा होता है। सारे देवा देवी भी ये कथा सुनने के लिए लालाए थे। बोले भागवत को गान करने वाले कौन है? बोले छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, जिस कथा को सबसे पहले स्वयं शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ही अमर कथा सुनाया, इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा है। अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए? एक माता जी दो गई है, हाँ तीन गई है। हाँ, जब जो लोग अमरनाथ गए ना, वो सब देख कर टाए होंगे कि सबसे पहले शंकर जी ये पार्वती को अमरनाथ में, आप लोग देखे होंगे वहाँ एक बट वृक्ष है और एक सुंदर सा वहाँ पर खोखला जैसे है, वहीं पर शंकर जी पार्वती को बैठा करके वहीं पर सुनाए थे। कि शंकर स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती जब से मैंने ये कथा सुनी है तब से ही मैंने अमरत्व प्राप्त की। माँ कहती है प्रभु मुझे भी सुना दो, मैं जन्म जन्मांतर से मरते हुए जा रही हूँ और आप तो अमर बने हो, मुझे भी सुना दो। बोले चलो तेरे को मैं अमरनाथ में लेकर कथा सुनाता हूँ। शंकर जी वहीं पर सुनाए। देखो कथा की कितने महत्व है। स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, ये स्वयं शंकर कहते हैं जब से मैंने ये कथा सुनी तब से मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। माता पार्वती जो जगदम्बा स्वयं जग जननी, कहते तब तक ये माता भी शरीर छोड़ते रही। बोले कब तक छोड़ते रही? बोले जब तक उसने ये कथा नहीं सुनी, लेकिन जब से उन्होंने कथा सुनी तब से ये दोनों अमरत्व की प्राप्त की। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा, ये भागवत की। इसलिए का मतलब होता है जिस कथा को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव सुखदेव गोस्वामी चतुसन जैसे बड़े बड़े ज्ञानी जिस कथाओं को नित्य निरंतर गान करते हैं। बोले ग, बोले ब मतलब, बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, ब मतलब होता है जितने सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किया है, बोले ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत को बताए, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास्य रूप सौ वेदार्थ परिवृणित। बोले जितने सारे वेद पुराण उपनिषद है, बोले सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवत मिश्यते, सारे शास्त्र का निचोड़ ये भागवत है। बोले तत्र सामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। जिसको भागवत कथा की रस लग में जिसकी रुचि हो जाए ना, उसको सामने सारे रस फीकी पड़ जाएगी, सारे रस उसको फीकी पड़ जाएगी। इसलिए श्री व्यास देव जी सारे ग्रंथों को रचना करते हुए भी शांति नहीं मिली, उनको शांति सुख नहीं मिली। लेकिन शांति कब मिला? जब भागवत ग्रंथ रचना की। वो स्वयं शिक्षा देते ही तब तक हमें भी शांति नहीं मिलेगी जब तक ही कथा नहीं सुनोगे। अगर कथा सुन लिया ना भागवत कथा, बस जीवन में तुम्हें शांति और सुख तुमको जीवन में प्राप्ति होगी। इसलिए बोले त मतलब, बोले तरणी च भवार्णवा। अगर ये अपार संसार समुद्र से तुम, कभी जो समुद्र है इसका तो कोई आर पार है, लेकिन हम जो जन्म मृत्यु का चक्र में पड़े हैं ना,
पता नहीं कब से भगवान को भूल करके दुनिया में आए और कब से ये भटक रहे हैं, ये 84 लाख जन्म में कब से हम पड़े हुए हैं। बोले कब तक पड़े रहेंगे, बोले जब तक ये भागवत कथा नहीं सुनोगे। भागवत कथा सुनोगे ना, हम अभी सुनेंगे, जब कथा समाप्त हो गई सभी के लिए रथ आया है और सबके सब रथ में बैठ करके कहां गए, ठाकुर के पास में चले गए। इसलिए बोले तरणी च भवार्णवा, ये भवसागर से पार होने के लिए ये भागवत कथा एक सुंदर नाव जैसे है, इसलिए ये ग्रंथ का नाम भागवतम। इसलिए जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जब चले गए, ब्रह्मा जी आदेश दिया नित्य निरंतर ब्रह्मलोक में कथा हो। यदि ये भागवत कथा ये सबसे पहले श्री नारद जी अपना पिता ब्रह्मा जी से सुना था, लेकिन ये जो 7 दिन तक हम जो कथा सुनेंगे, तो इन्होंने ये चतुष्सन से उन्होंने ये 7 दिन तक कथा सुनी। यहाँ स्वर्णकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, बोले भैया जो संसार से जो मुक्त महापुरुष नारद जी ये 7 दिन तक फिर कथा क्यों सुने, कारण किया। बोले इसका कारण बताए, एक दिन श्री नारद जी सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया लेकिन उनको शांति कहीं नहीं मिली, सुख नहीं मिली, तो उन्होंने इसी मर्त्य जगत में आए। सोचे शायद ये मर्त्य जगत में शांति सुख मिलेगा, भले ये मर्त्य जगत में क्यों आए, कारण क्या है, सर्वत्र भ्रमण करते हुए उनको शांति सुख क्यों नहीं मिला। बोले कारण है, ये मर्त्य जगत में क्यों आए, बोले कारण है, यद्यपि ये मर्त्य जगत है, मर्त्य मतलब यहाँ पर सबको मरना पड़ेगा, कोई बता सकता है जो मरेगा नहीं, बता कौन मरेगा नहीं, सबका एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन ये मरते जगत होने पर भी ये जो भारत भूमि है ना, ये पुण्य स्थान है, ये पुण्य भूमि है। बताओ गंगा कहाँ पर है और कहीं है, यमुना कहाँ पर है, गोदावरी कहाँ पर, सरस्वती कहाँ पर, अयोध्या कहाँ पर, वृंदावन कहाँ पर, बताओ कहाँ पर, हाँ कहाँ पर है, भारत में। इसलिए जितने सारे सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवध्या कहाँ पर है, बताओ, भगवान राम कहाँ पर जन्म हुए, भगवान कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, जितने बड़े बड़े संत कहाँ पर जन्म हुए, चार धाम कहाँ पर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री कहाँ पर है, हाँ, इसलिए इसका नाम है भारत। भारत मतलब क्या, बोले भा मतलब प्रकाश, रत जो लोग हर समय प्रकाश के तरफ में रहते हैं, हर समय प्रकाश के तरफ में जो जाने वाले हैं, वो प्रकाश क्या है, बोले भगवान की प्रेम और भगवान की भक्ति। इसलिए श्री नारद जी एक समय ये पुण्य भूमि है, इसलिए स्वर्ग का देवता लोग भी इसी भारत भूमि में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कभी तो ये हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में कोई कोई चले जाते हैं। नहीं, नहीं जानी चाहिए, जब तक ये धर्म में नहीं आएगा ना तब तक उधार नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर भी पुण्य समाप्त होने पर तुम्हें यही आना पड़ेगा, यही फिर आना पड़ेगा, तब तक ये संसार से मुक्ति नहीं जब तक तुम मेरे को उपासना नहीं करके मेरे धाम में नहीं आओगे। इसलिए भारत भूमि में हिंदू घर में जन्म ग्रहण करके सनातन धर्म को जाजन करने वाले दुर्लभ है, इसलिए नारद को भी कहीं शांति नहीं मिली। इसलिए नारद जी जैसे व्यक्ति कहाँ पर आए, ये भारत भूमि में आए, सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया है, सर्वत्र भ्रमण करते करते इन्होंने देखा ये कलयुग आ गया है, ये कली सब जगह पर अपना प्रभाव को विस्तार करके बैठाया, किसी किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। देखा सारे तीर्थ स्थान में सारे मुसलमान कहीं आक्रमण करके बैठे हुए, वहां पर देखा मठ मंदिर में भी अशांति है, गृहस्थ घर में भी अशांति, सब जगह भी उनने सोचा वृंदावन चलते हैं, क्योंकि वृंदावन श्री राधा रानी का हृदय से वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब यहाँ पर तुलसी का वन हो, इसलिए हर घर घर में ना तुलसी वृक्ष रखनी चाहिए, हर घर घर में, हैं घर में जिस घर में तुलसी वृक्ष है उसी घर में ठाकुर का निवास है। इसलिए कहते ना आली मोहे लागे वृंदावन, वाह।
भले महे लागे वृंदावन की, भले महे लागे Oh.
राखे प्रभु के धन राखे जिसकी बगल में दो बूढ़े लेट हुए और कुछ सुंदर सुंदर सखियां और जो सुंदरी एक किशोरी बैठी उनको सेवा कर रहे थे। नारद जी ने सोचा ये तो वृंदावन धाम है, जरूर कहीं ये सत्संग होती होगी। जब वहां पर पहुंचे देखा सत्संग नहीं, वहां पर तो रोना धोना है। फिर नारद जी वहां से भगे। वो जो सुंदरी एक युवती बैठी हुई थी, बोले नारद जी बड़े भाग्य से कहीं सत्पुरुषों का दर्शन मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है,
आप तो कृपा करके आए, फिर जा रहे कहां पर, थोड़ी सी रुक जाओ। नारद जी रुक गए, बोले आप कौन हो, बोले आप क्या मेरे को नहीं जानते हो, बोले नहीं लगता है तो कहीं देखा याद नहीं आ रही, बोले मेरा नाम है भक्ति और ये दो जो बूढ़े देख रहे हैं ना ये मेरे दो बच्चे हैं। बोले नारद जी जगत का नियम है, माँ होती है वृद्धा, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े बन गए। बोले ऐसे कैसे हुए, तो उसकी कारण बताए, बोले उत्पन्न द्रविड़ साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्नताम गता। बोले उत्पन्न द्रविड़े साहब, द्रविड़ देश में मेरे जन्म हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं आदर मिले, लेकिन गुजरात में जाकर भी बूढ़ी हो गई। बोले मतलब क्या, बोले गुजरात का लोग बड़े नास्तिक थे, कोई भी भक्ति नहीं करते थे, किसकी घर में तुलसी नहीं, किसी घर में ठाकुर नहीं, अगर कोई तिलक धारी कोई कंठी धारी कोई चोटी धारी आ गई ना, बोले भैया गले में ये लकड़ी क्यों पहने, अगर तिलक देख लिया तो बोले तुमने क्या बगुला कहीं टाटी कर दिया है, अगर चोटी देख ले बोले क्या तुम्हारी ये एरियाल है, ये चोटी क्या है, चोटी काट देते थे। और जब तक वो साधु को देश से भगा नहीं दे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। मतलब इतने नास्तिक लोग था ये गुजरात, कहते मैं गुजरात में आ करके बोली हो गई। लेकिन अभी आप गुजरात में जाओ ना, अगर पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहीं भक्ति करने वाले आप गुजरात में मिलेगा। बोले ऐसे कैसे हो गया, इतने बड़े बड़े साधु कहाँ से आ गए, इतने भक्ति कैसे आई, कारण है उसी देश में कुछ शुद्ध साधु लोग जन्म हो गया। श्री विठल नाथ, थुकाराम, बल्लभाचार्य, विठल नाथ, ये बड़े बड़े साधु लोग वहां पर जन्म हुई। कहते जहां पर एक शुद्ध साधु जन्म हो जाए, कहते वो स्थान इतने पवित्र हो जाता है, जब वो हाथ उठा कर नृत्य करता है कहते स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है, जब वो उनका चरण स्पर्श जब पृथ्वी को परम पड़ती है ये पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है। उनकी जो दृष्टि जितने दूर तक तो उनको दृष्टि चले जाए, क्योंकि उनका दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं, भगवत प्रेम उनकी आंखों में ठाकुर जी बैठे हुए होते हैं, जिधर देख लेते हैं वो स्थान सब पवित्र हो जाता है। बोले तहार प्रभावे कोटि जोजन निस्तारे, कर्ण जोजन तक एक साधु जन्म लेने पर कर्ण जोजन तक कल्याण हो जाता है। इसलिए वहां पर बड़े बड़े साधु लोग आए और घर घर में तुलसी ठाकुर जी। अब देखो पृथ्वी में हमारे भारत में सबसे ज्यादा पैसा वाले लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, आप गुजरात में मिलेगा। बोले कारण क्या, बोले कारण है जहां पर भगवान की भक्ति करने वाले लोग होते हैं ना, जहाँ भगवान नारायण की भक्ति कृष्ण भक्ति होगी लक्ष्मी तो वहीं पर आएगी ना। लक्ष्मी कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर उसकी प्रभु को सेवा हो, उनकी पूजा सेवा हो ना, माँ लक्ष्मी बड़ी कृपा करती है। बोले क्यों, बोले तो मेरे प्रभु का सेवा कर रहे हो ना, मेरे प्रभु की भक्ति, जो पैसा ले ले पैसा लेकर के मेरे प्रभु की सेवा में तुम लगा। इसलिए ज्यादा पैसा वाला नहीं उधर है। मोदी कहाँ गए, मोदी कहाँ गए, गुजरात गए ना। इसलिए मतलब है जिस घर में भगवान की सेवा पूजा भक्ति जिस घर में ज्यादा होगा ना, देखना उसी घर में ज्यादा शांति सुख पैसा धन दौलत में वही ज्यादा फलते फूलेगा, है वही ज्यादा फलते फूलेगा जो जितने प्रभु की भक्ति पूजा सेवा करेगा। इसलिए वृंदावन में आकर के मैं तो हो गई जवानी, क्यों वृंदावन धाम से राधा रानी का हृदय है। बोले भक्ति नृत्यति यत्र च, हैं इसलिए वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं। कितना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां केशव की कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन में आकर के तुम्हें बन गई, हाँ जवानी बन गई, लेकिन मेरे जो दो बच्चे हैं ना ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े। बोले क्यों बूढ़े हो गए, बोले वृंदावन में ये ज्ञान वैराग्य को कोई पुष्ट नहीं है। इसलिए बोले उद्ध शुद्ध है गया सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी और बाजे प्रेम की ढोल। वहां पर तो प्रेम की महिमा है, वहां पर कृष्ण को कोई कृष्ण नहीं मानते सखा मानते हैं,
अपना बेटा मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य आकर के यहाँ गए, बूढ़े हो गए सबके सब, लेकिन भक्ति यहाँ पर जवानी हो गई। बोले नारद जी कृपा करके मेरे बच्चों को जवानी दिला दो। तब उनको कानों में उन्होंने वेद पुराण उपनिषद एक एक करके सुनाए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुई। लेकिन जब उनको गीता सुनाए थोड़ी सी आग खुले, कोशिश किया बैठने के लिए, लेकिन जब गीता समाप्त हो गई ना, फिर धड़ांग करके गिरी। बोले भैया गीता साक्षात भगवान की मुखर निषिद्ध वाणी है, फिर गीता सुनकर किनके ध्यान नहीं हुई, बड़ा आश्चर्य हुए। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को हम जवानी दिला देंगे। बोले अगर मेरे बच्चे को जवानी दिला दिया ना, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तेरे हृदय छोड़ करके फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उनने सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन इसकी प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। लेकिन जब उन्होंने बद्रीनाथ में श्री चतुष्हंस मिले, बोले भैया ये तो सीधी सी बात। बोले सीधी सी बात। बोले कैसे? बोले अब भी याद नहीं, जब व्यास देव ने सारे ग्रंथों को रचना करते हुए भी शांति नहीं मिली, आपने बताया ये भागवत सुनाओ ना। बोले हाँ। बोले भागवत क्यों नहीं सुना रहे हो? बोले भागवत तो सारे ग्रंथ का निचोड़ है, मैं तो वेद पुराण उपनिषद तो सुना चुका। बोले देखो, उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाया। जैसे आपको आम खाने का इच्छा, आप बोलोगे भैया आप आम का वृक्ष का रस ही तो आम का रूप धारण करता है, अगर आम का पत्ते को चिबाओ आम का स्वाद आएगा, नहीं तो आम का टहनिया को खाओ चिबाओ आम का स्वाद आएगा नहीं, तो उसका फल में जो स्वाद है ना, उसको टहनिया में जब भी वही रस ही ये फल रूप धारण करता है, लेकिन वो आनंद नहीं जो आम में आएगा। उसी तरह कि जो भागवत है, ये निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये सारे वेद पुराण का ये पका हुआ फल श्री आम है। इसलिए भागवत में जो आनंद है वो आनंद और कहीं नहीं। इनको भागवत कथा सुनाओ। बोले फिर आप ही सुना। बोले ठीक है। बोले कहाँ सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में सुनाएंगे। जब चतुष्हंस हरिद्वार में कथा सुनाने के लिए गए, अभी हम कथा सुना रहे थे ना, सारे देवा देवी सारे तीर्थ सबके सब कथा सुनने के लिए वहीं पर आए। स्वर्ग का सारे देवता लोग भागवत की जयकार देते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लेकिन ये भागवत श्रवण कराने पर भागवत कथा की तिन्ने महिमा गोलक वृंदावन से सख्यात प्रिया प्रियतम प्रकट हो, अपना परिकरों को साथ में प्रकट हुई। वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे वहां भजन गा रहे थे, वैसे वैसे उसी भाव से नृत्य कर रहे थे। श्री नारद जी वीणा बजा रहे थे, वहां पर श्री अर्जुन पखवज बजा रहे थे, सारे उद्धव आदि मजरा बजा रहे थे, बड़े सुंदर सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय रानी जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय मेरी भाई की जय बनवारी की जय मेरी भाई की जय बनवारी की जय गुंज बिहारी की जय जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय। भजन गा रहे थे और वहां पर जितने लोग कथा सुन रहे थे, कथा समाप्ति के बाद में सभी के लिए वैकुंठ से रथ आया।
सबके सब रात में बैठी करके सबके सब भगवत लोक को गमन किए, वहां तक भी पशुपति कीड़े मकड़ भी मुक्ति प्राप्त कर गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, उन्होंने प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो, किसी तरह से मुक्ति नहीं मिल रही है, क्या कथा सुनकर उससे भी मुक्ति मिलेगी? बोले भैया प्रश्न कैसे कर रहे हो गजब की, अरे जब भगवत कथा सुनकर के जीव पूरा के पूरा भगवत लोक को, हाँ भगवत प्रेम मिल गया, प्रेत को उद्धार नहीं होगा। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकार की कथा सुनाई। बोले एक आत्मदेव नाम एक ब्राह्मण रहता था, घर में सारे सुख घर घर में उसकी सारे सुख है। एक व्यक्ति क्या चाहता है, पहले किसी अच्छे घर में जन्म हो, ब्राह्मण घर में जन्म हो, उसको बाद में क्या चाहते हैं, शरीर बहुत सुंदर हो, बोले दूसरे सूरज जैसे, उसको बाद में क्या चाहते हैं, लिखाई पढ़ाई बढ़िया हो, बोले इतने हाँ जितने स्मार्ट और सारे विद्या में निपुण था, उसको बाद में क्या चाहता है, घर में पैसा हो, पैसा की कमी नहीं, माला माल घर में था, उसको बाद में क्या चाहते हैं, किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाए, पत्नी का नाम थी धुंधुली, देखने में बड़ी सुंदर थी, घर में सारे सुख है, घर में सारे वस्तु घर में, लेकिन एक चीज की कमी है, घर में संतान नहीं, इसलिए बड़ा दुख है। पूर्वजों को कोई वस्तु दे, उनको लगता है जैसे कोई गर्मी चीज दे रहा है। उन्होंने घर में गैया लाए तो गैया भी बांझ बन जाए, वृक्ष लगाए तो वृक्ष में फल नहीं आए, अभी सारा दुनिया उसको निंदा चर्चा करे, बड़ा दुखी था। बोले दुखी कारण है, व्यक्ति बड़ा कंजूसी था, क्या था, बड़ा कंजूसी, एक पैसा उसको घर से हाथ से एक पैसा कोई धर्म काम के लिए नहीं निकलता है। इसलिए नियम है, हम जो कमाई करते हैं ना, उसका कुछ अंश ठाकुर जी के सेवा में, प्रभु की सेवा में लगे, साधु संतों की सेवा में लगे, फिर तो वो धन जाकर घर में सुख देता है, ये तो घर में शांति सुख नहीं देता है। हाँ देखो आपके भी छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये हमारे जैव धर्म में ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये सही घटना है, आप ध्यान देकर सुनो। कोई एक व्यक्ति था, वो बढ़िया है लेकिन महाकंजूसी, एक पैसा हाथ से कभी निकले नहीं, अभी कहीं सत्संग में भी नहीं जाए। बोले क्यों, बोले सत्संग में जाएगा तो कुछ पैसा देना पड़ेगा वहां, इसी डर से वो सत्संग में भी नहीं जाए, केवल पैसा जोड़ते रहे जोड़ते रहे। ये सही घटना है जैव धर्म में, ये कथा भक्ति विनोद ठाकुर सुनाते हैं, केवल पैसा जोड़ते रहे जोड़ते रहे। पति की धीरे धीरे स्वभाव पत्नी के ऊपर भी आने लग गया, वो पत्नी भी कहीं भी एक पैसा हाथ से नहीं देती है, कहीं दान करती है, क्योंकि पैसा की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी ये नारायण की, ये लक्ष्मी तभी शांति सुख देगा जब ये नारायण की सेवा में लगेगी, नहीं तो शांति सुख नहीं देती है। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, उनको तीन बेटे थे, अभी धीरे धीरे ये गुण धीरे धीरे पिता माता को अंदर से धीरे धीरे बच्चों को अंदर में आने लग गया। अभी बच्चों का हृदय में एकदम निष्ठुर और बच्चे का हृदय सुखा रहा। अभी धीरे 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 जब साधु संघ में नहीं जाए, कथा नहीं सुने, कुछ चीज नहीं देना, अभी धीरे 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 हृदय हृदय निर्दय हो गया। अभी तीनों बच्चे क्या करते हैं, अभी पिता माता को भी आदर नहीं देते। अभी तीनों बच्चे सोच रहे हैं, ये बूढ़ा बूढ़ी कब मरे और इसका पैसा कब हमें मिले, हर क्योंकि साधु संघ में नहीं गए, इसलिए दया की भावना खत्म हो गई, पिता माता की सेवा की भावना समाप्त हो गई हृदय में। दिन रात चिंतन करते बूढ़ा बूढ़ी कब मरेंगे, और इनके पास में बहुत पैसा इकट्ठे किए है और इसी रूम में सारे पैसा है। अभी पिता माता जब देखा बच्चे लोग अनादर करते हैं, बहुओं के अंदर में भी यही गुण आई, बहुओं भी अनादर करने लग गई। एक दिन पिताजी तीनों बच्चों को बुलाए, बोले देखो बच्चों, हम जीवन में कभी अच्छे चीज खाई नहीं, अच्छे चीजें नहीं पहनी, केवल जीवन में पैसा तुम लोगों के लिए ही हमने इकट्ठे की, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देख कर हमें बड़ा दुख लगता है, जिन बच्चों के लिए हमने इतने पैसा कमाया वो हमें से ठीक से रोटी नहीं खिला रहे हैं, तुम हमें से ठीक से सेवा नहीं करते हो, चाय पानी भी समय पर नहीं देते हो, 10 बार बोले तभी देते हो, क्यों साधु संघ में नहीं गया, बच्चों को पर संस्कार नहीं पड़ा। बोले देखो जो बच्चा हमारी ठीक से सेवा करेगा ना, हम उसको ही ज्यादा संपत्ति देंगे।
जब ये बात को बोले तीनों बच्चे चुप रहे और वहां से चले गए और बैठ करके आपस में मिट्टी किया। बोले देखो पिता पता नहीं किसको कम देंगे किसको ज्यादा देंगे, जिस घर में ये पिताजी रहते हैं सारे सोना चांदी और जितने पैसा इसी घर में। बोले एक काम करो ये तीनों को हम तीर्थ यात्रा के लिए भेज देते हैं, जब ये चले जाएंगे ना फिर ताला तोड़ करके सारे संपत्ति लेकर के हम आपस में बांट लेंगे, पता नहीं किसको कम किसको ज्यादा मिलेगा। तीनों बच्चे आए बोले पिताजी ये कलयुग में ये नवद्वीप जो धाम है उसको सबसे श्रेष्ठ धाम बताया, वहां जाने से सारे पाप नष्ट होता है, आप जिंदगी में केवल पैसा पैसा कमाए कभी अपने तीर्थ में नहीं गए, अब जाओ ये नवद्वीप धाम को दर्शन करते हुए आओ और आपको के लिए हम नाव की व्यवस्था, उसमें गंगा है गंगा में नाव में बैठ करके चले जाओ और आपका हाथ साथ में एक माता जी को भेज देंगे जो आपके लिए खाना पीना भी बनाएगी। पिता माता सुनकर बड़े खुश हो गए, बोलो बच्चों को हमने था डांट लगाया ना समझाया शायद बच्चे समझ गए, लेकिन पिताजी इतने कंजूसी बोले हमारे लिए नाव की व्यवस्था करने का जरूरत नहीं, हम चलते चलते चल जाएंगे, क्यों जिंदगी में तो केवल पैसा जोड़े 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 हैं, उन्होंने तो कभी खर्चा नहीं किया, बोले हम चलते चलते चले जाएंगे। बोले ठीक है। अभी उन्होंने चलते चलते से नवद्वीप धाम में गए, इतने में तीनों बच्चों ने पिताजी के घर का ताला को तोड़े, तोड़ करके जितने माल था सोना चांदी पैसा तीनों बच्चों ने बांट दिया। जब बांट लिया गांव में हल्ला हो गया, ये तीनों बच्चों ने पिता माता को तीर्थ में भेज करके घर की ताला तोड़ कर सारा पैसा ले लिया। अभी धीरे धीरे ये बात को प्रचार हो गया, उसी गांव का एक लोग भ्रमण करते करते पहुंचा नवद्वीप में और उनको बताया तुम तो तीर्थ में आ गए और बच्चों ने तुम्हारे घर का ताला तोड़ करके सारे संपत्ति ले गए और आपस में बंटवारा कर दिया। अभी सुन करके जिंदगी भर जोड़ते जोड़ते रहे ना पैसा में बड़ा आसक्ति था, दोनों दोनों रोना शुरू कर दिया, इतने पैसा हम बच्चों के लिए रखे और बिना बोले सारे ताला तोड़ करके ले गए। इतने में दोनों पति पत्नी ने सिद्धार्थ किया अभी हम नवद्वीप में रहेंगे और यहीं पर प्रभु का भजन करेंगे। फिर कुछ दिन बाद में फिर मन में मोह माया आ गई, बोले जो कुछ होने पर बच्चे है ना वो है ना चल एक बार चलते हैं। लेकिन उनको साथ में जो एक वैष्णवी थी माता जी बोले खबरदार सारे पैसा ले गए एक पैसा तुम्हारे पास में नहीं, जाकर बच्चों को फिर पैसा मांगोगे ना हो ना हो तुमको जान से मारने के, इसलिए अभी घर की बात मत करो, जिंदगी भर कंजूसी किया केवल पैसा जोड़े जोड़े और कुछ नहीं किया, अभी यहाँ पर रह करके भक्ति करो। फिर उनको फिर ज्ञान उदय हुआ, बोले एक काम करते हैं एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, खोल करके उसमें जो पैसा होगा रोज रोज एक साधु सेवा रोज करेंगे, संतों की सेवा करेंगे रोज रोज, फिर और भगवान की भजन करेंगे, पास में एक संत रहते थे चलो बोले उनको पास में जाएंगे और उनसे ज्ञान की बात कथा सुनेंगे और भजन करेंगे। फिर उन्होंने नवद्वीप धाम में भजन करते करते फिर उनको उद्धार हुई। इसलिए जो आत्मदेव है घर में तो पैसा है लेकिन एक पैसा उन्होंने कहीं सत्संग में अच्छे काम में नहीं लगाते, इसलिए ये सब कुछ रहते हुए